जब कहानी लिख रही थी मैं जाने जहाँ की, तो वो कहानी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक किरदार था. That was Sharam. I built जाने जहाँ around him. चैनल कहता है यहाँ पे लड़की की कहानी चाहिए. My problem since the beginning has been that I focus a lot on male characters. I don't know why. क्यों भाई? I think I understand them better. My son has no interest in wearing शलवार कुर्ता. इतना नहीं हमें कहना पड़ता है जुम्मा है, नमाज के लिए चले जाओ, you know. And he just wore something. I think I look like Sharam. Oh my goodness. I was in the Mama Parsi. मेरे अंदर I think कोई भी अच्छी बात अगर अब तक है वो वहाँ से आई है. जाने जहाँ was intended for Z5 and then Abhinandan decided to come and have chai. चाय महंगी पड़ गई आपको बहुत ज्यादा. मुझे बहुत महंगी पड़ गई. आई लिटरली आस्क्ड फॉर दिस इन तहज्जुद. ओके. एंड आई रिमेम्बर सना शाहनवाज उमरा पे गई हुई थी. एक वीक के अंदर उनका मुझे मैसेज आया है दैट आई जस्ट डिस्कस दिस विद हमजा, ही लव्स इट, लेट्स डू इट. आप हिजाब लेती हैं? पहले नहीं लेती थी. आपने ये करने के बाद क्या आपकी स्क्रिप्ट्स के बारे में जो लोगों के आइडियाज होते हैं, लोगों की परसेप्शन थी, वो चेंज हुई? आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? नॉट एट ऑल. आई हैव नॉट फेल्ट मोर लिबरेटेड और सिक्योर इन माई लाइफ देन आई डू नाउ. आई वाज लाइक कि आपने इतना रोमांस लिख दिया, ये तो डर रहा है मेरा हाथ पकड़ते रहे थी. शहराम और महानूर एक तरफ, बट मेरी और जाने जहाँ की एक अलग लव स्टोरी है. तो हमें लग रहा है, पता चल रहा है. वो आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन. आई थिंक मेरे फेवरेट इंटरव्यूज होते हैं जब राइटर्स मेरे पास आते हैं. कहानी और कहानी में जो किरदार हैं उसके पीछे क्या सोच थी उसके बारे में जानना, कैरेक्टर्स कैसे क्रिएट हुए और उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, ये मेरे कुछ फेवरेट चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे जानना अच्छा लगता है. और जब भी हम राइटर्स से बात करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हमने सोची नहीं थी, जो हमें हैरान करती हैं. तो आज भी आई एम होपिंग कि ऐसा ही कोई इंटरव्यू होगा. कुछ हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स आजकल जो हम देख रहे हैं, जैसे शहराम है, महानूर है, या तबरेज़ है, या गुलजेब है, या फिर किश्वर है, हमें कुछ उनके बारे में पता चलेगा. आज जो मेरी मेहमान है, वैसे तो आई थिंक मैंने इतने हिंट्स दे दिए दैट आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हमारे साथ रिदा बिलाल हैं स्टूडियो में. LSA में उनके प्रोजेक्ट खुदगर्ज़ को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट मिल चुका है. खुदगर्ज़, बे इंतहा, ज़ख़म, आजकल जाने जहाँ, सम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शी हैज़ रिटन. जो उनकी इंटरेस्टिंग बात मुझे बड़ी लगी दैट शी सेड इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज़ दैट उनको ये नहीं पता था कि जब वो ये काम शुरू करेंगी तो उनको अच्छा काम करने के लिए एक फ़ाइट करनी पड़ेगी या उनको इतनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी. सो लेट्स मीट हर, फाइंड आउट अबाउट हर जर्नी एंड ऑल्सो अबाउट आर द कॉन्सेप्ट एंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड some of our favorite characters. Assalamu alaikum Rida. Wa alaikum assalam. Kaisi hain aap? Good, how are you? Bilkul theek thaak. Kaisa lag raha hai jaane jahan ki itni appreciation and Shahram Shahram har jagah ho raha hai mashallah se and also Mahanoor. Yeah, of course. How do you feel when you see all of this? I feel elated. It's something jo ek hota hai na aapke sirf tasavvur mein hota hai because kisi cheez ke liye aapne इतना काम किया हो एंड विद जाने जहाँ इट हैज़ बीन अ स्ट्रगल ऑफ 7 years. वाओ माशाल्लाह. वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर 7 years. बट क्यों 7 साल क्यों लगे? वो इसलिए क्योंकि जाने जहाँ इन ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री स्पेसिफिकली बिकॉज जाने जहाँ ओरिजिनली वी वर गोइंग टू डू फॉर जी. ओके. जाने जहाँ वॉज इंटेंडेड फॉर Z5 एंड देन अभिनंदन डिसाइडेड टू कम एंड हैव चाय. चाय महंगी पड़ गई आपको बहुत ज़्यादा? मुझे बहुत महंगी पड़ गई. टुक अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ. ओके. उसके बाद ये तीन अलग अलग सेट थी और फिर कैंसिल हो गई. यस. एंड देन ये तीन अलग अलग डायरेक्टर्स के हाथ में गया. सॉरी मैं बीच में कट करी हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी तो होता है जैसे बहुत से प्रोजेक्ट जो बहुत डिलेड होके Z5 पे हम अभी भी देख रहे हैं, तो ये कुछ डिस्कशन नहीं हुई कि हम उसको डिले कर देते हैं, डायरेक्ट कैंसिल हो गया? नहीं, इट जस्ट कुडंट हैपन बिकॉज चीज़ें एक एनिमोसिटी इतनी बड़ी हुई थी एनवायरनमेंट में दैट नोबडी इवन वांटेड टू टॉक अबाउट इट, यू नो. सो थिंग्स केम टू अ स्टैंड स्टिल एंड देन सना, यू नो, शाहनवाज, शी डिसाइडेड के यू नो व्हाई नॉट वी यू नो नीड टू पिच दिस लोकली. जाने जहाँ शुरू से ही एक देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है दैट यू नो एवरी चैनल इज़ वर्किंग ऑन अ सर्टन शेप दैट वी रिकग्नाइज सर्कल्स. हम सिर्फ स्क्वायर्स करते हैं, हम ट्राइंगल्स करते हैं, देयर इज़ नो रिकग्निशन फॉर एनी अदर शेप. अगर आपको आना है तो आप आके अपने कॉर्नर्स या तो काटें या आप अपने आप को एक्सपैंड करें. ठीक है. सो आई वॉज अ सर्कल एंड आई हैड टू बी अ स्क्वायर. ओके. एंड आई सेड नो बिकॉज देखिए कहानी आदमी, औरत, कुत्ते, बिल्ली किसी की भी हो सकती है. चैनल कहता है यहाँ पे लड़की की कहानी चाहिए. माय प्रॉब्लम
since the beginning has been that I focus a lot on male characters. I don't know why. क्यों भाई? ख़वातीन ने क्या क्या किया है कि आप हमें ignore करके आप मर्द हज़रात पे ज़्यादा focus करिए? क्यों है ये? I think I understand them better. Okay. मुझे औरतों की इतनी समझ नहीं है. मैं ऐसी मज़ाक में बात कर रही थी. मुझे औरतों से ज़्यादा बनती भी नहीं है. Let me declare. आई थिंक कहानी अच्छी होनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उसमें ये फोकस कि वो मर्द पे या औरत पे. एग्जैक्टली. तो देखें यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. सो तीन अलग अलग डायरेक्टर्स के पास ये स्क्रिप्ट गई. द प्रोसेस स्टार्टेड एंड देन इट स्टॉप्ड. सो देयर वाज अ टाइम दैट वी जस्ट गेव अप कि ये होना ही नहीं है. एक बहुत प्यारी बात अबाउट जाने जहाँ जो मैं आपसे कहूँगी वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें दैट यू सी इन द स्टोरी are actually very relevant to the project. Like, you know, Shahram Rahmanur ki baat hoti hai, wo kehte hai na ki kuch cheezein khuda ki taraf se hoti hain. Ha, sahi baat hai. Ye khuda ki taraf se hua. There was no way this was going to happen. I have never been the kind of person that I would take a project's name and I literally asked for this in tahajjud. Oh, okay. And I remember Sana Shahnawaz umrah pe gayi hui thi. Aur ek week ke andar unka mujhe message aaya hai that I just discussed this with Hamza. He loves it, let's do it. Okay. And hum kisi us waqt channel ke under nahi the, hum khula khud kar rahe the, so we decided to just go ahead with it. Okay. uske baad ye nahi pata kis channel pe nahi humne kaha bas karna hai to hum kafi upar se hain is dafa. Okay. मुझे लगता है जब नियत साफ हो तो अल्लाह खुद ही रास्ते बनाता होता है. यू नो फिर आपने तहज्जुद में दुआ मांगी थी तो कैसे अच्छी इंटेंशन हमेशा इट ट्रांसलेट्स. एंड शहराम और मानूर एक तरफ बट मेरी और जाने जहाँ की एक अलग लव स्टोरी है. मैं तो हमें लग रहा है पता चल रहा है वो. आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट इट. जिसको तहज्जुद में मांग लिया उसकी तो सोचे ना. तो दिस इज व्हाट इट इज फॉर मी. ट्रू. चलिए जाने जहाँ पे हम एक डिटेल डिस्कशन बीच बीच में कहीं टच करते रहेंगे बट थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है और वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम. यू फ्रॉम कराची? यस, आई एम फ्रॉम कराची. एंड मैं हमेशा आई लव टू टॉक अबाउट माई स्कूल. I was in the Mama Parsi. Oh, अच्छा. So I'm a Mamayan and मेरे अंदर आई थिंक कोई भी अच्छी बात अगर अब तक है तो वो वहाँ से आई है. So Mama Parsi अभी भी वही strong values and system. I'm not sure because it used to be like one of the. मेरा time तो बहुत बड़ा नाम होता था. भाई अभी भी है. We had surprise cleanliness test where they used to see if your feet are okay, if your socks are okay. 50 marks का होता था. 10 साल मैंने मेहंदी नहीं लगाई है. 10 साल मेहंदी अलाउड नहीं होती थी. मेहंदी अलाउड नहीं होती थी. -5, -10, -15, -20. आई स्टिल रिमेंबर माय रिपोर्ट कार्ड. लेकिन मेहंदी क्यों नहीं अलाउड होती थी ईद और शादी पे? तो वो बहुत ज़्यादा वो था. इट वॉज अ वेरी गुरुकुल काइंड ऑफ. हमारी प्रिंसिपल वैसी थी, परिवर्तन नहीं चाहिए. यू नो शी वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट. बट देन अगेन पंक्चुअलिटी, a lot of things, you know, very very some good values that get inculcated in you. So I always, you know, attribute them to my school. ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा हम लोग ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन ने हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ ऐड किए और हमारी शख्सियत बनाने में कितना अहम किरदार अदा किया. और इसीलिए शायद हम स्कूल्स और टीचर्स की अहमियत को भी नहीं जान पाते या नहीं समझते या रिकग्नाइज नहीं करते. जो आपने आज क्रेडिट दिया मामा पारसी को, आई थिंक इट्स अ ग्रेट. माय हस्बैंड हेट्स इट. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज 14 साल मैंने आई हैव काउंटेड हो गए कि मैंने गाड़ी की खिड़की से कुछ बाहर फेंका. So I don't let him do that. Wow. I don't let him. And then, you know, I carry all those straws and tissues with me and he just gets so disgusted. But main kehti hu jab tak ghar nahi aayega hum nahi phekenge. I'm so happy to hear that. To main nahi karti and I've told my kids not to do it. So that. How old are your kids? My daughter is 4.5 and my son is about to turn 8. Oh, 8, mashallah. Acha to 4.5 to badi cute stage hoti hogi jab. Wo bhi badi cute stage hai. 8 bhi badi cute stage hai. To wo dono jab aapke drama dekhte hain to kya kehte hain? How do they react to a famous mama? It's very interesting because mera jo beta hai he is somewhat like me. Okay. I think I speak more on paper. Generally I'm quiet. I don't like to talk much. ठीक है. बेटी मेरी इज ठीक है. एंड शी इज ऑल ओवर द प्लेस एंड शी कीप्स ऑन सिंगिंग द ओएसटी. अब ओएसटी उसने गाना शुरू किया सुन. जानी जहां का ओएसटी? लिसन टू दिस. मेरा इश्क जो कारी हुआ एंड माय सन इज लाइक कारी साहब. दिस इज व्हाट आई गो थ्रू. दिस इज सो क्यूट.
लेकिन ये ना काजी साहब की बात नहीं, व्हाट इज द वीडियो और ऑडियो फॉर यू नो दिस इज सो क्यूट. सो दे गेट वेरी हैप्पी एंड आई स्टिल रिमेंबर अभी पिछले जुम्मे की बात है. My son has no interest in wearing shalwar kurta. Itna nahi hame kehna padta jumma hai namaz ke liye chale jao, you know, with your father, with your dada. And he just wore something. And he's like, I think I look like Sharam. Oh my goodness. चले और कहीं हो ना आपके घर पे तो इफेक्ट हो रहा है बहुत. ये बताएं हस्बैंड का क्या, मियां साहब का क्या रिएक्शन होता है आपके जो हस्बैंड है? अच्छा इंटरेस्टिंगली कभी भी जो है मैंने आई नेवर पुश्ड बिलाल और एनीवन फॉर दैट मैटर के मेरी ये चीज़ ऑन एयर हो रही है देखना. बट मैं जाने जहाँ इट्स अ रिचुअल लाइक आई हैव एन अटेंडेंस शीट लिटरली कि तुमने देखा तुमने देखा. बिकॉज बिलाल हैड सम लाइक वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस. ओके एंड ही वाज राइट. क्या प्रेडिक्शंस थी? अच्छा जैसे बिलाल ने प्रेडिक्ट कर दिया था दैट आमिर विल डाई. And then I was just looking Achha, at him. So in the story, in the story, and then, I thought ki wo and then he was like, "Rida, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मुझे पता है कौन जिएगा कौन मरेगा." नहीं देखें प्लीज शहराम के साथ कुछ मत कीजिएगा, हम आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे. अभी सुबह ऑफिस से बात हो रही थी, मैंने कहा आप आ रही हैं तो उन्होंने कहा प्लीज पूछ ले हैप्पी एंडिंग. नहीं नहीं हैप्पी एंडिंग ही होगी, अब आपने मुझे शक में डाल दिया है. सहरी के वक्त मैसेजेस आते हैं, अल्लाह का वास्ता उनकी शादी करवा दें. दो दिन पहले माय सास इज लाइक यार वो ऊपर मालिक पे काम कह रही है शादी तो होगी ना. मैंने कहा बकवास है. बट दिस इज सो नाइस टू हियर कि लोग इतने इन्वेस्टेड हैं आपके कैरेक्टर्स में. आई थिंक व्हाट is very heartwarming. Some बहुत सारे कुछ हमारे रिश्तेदार जो यू नो वो ओवरसीज, उनके मैसेजेस आने शुरू हुए कि हम 5-6 साल बाद बैठ के कोई ड्रामा देख रहे हैं. वी आर सो इन्वेस्टेड. ओके एंड इट्स नॉट बिकॉज यू हैव रिटन इट, इट्स बिकॉज वी रियली रियली लाइक इट. आई एम जस्ट ग्लैड दैट एक ओवरऑल जो मुझे फीडबैक है, आई थिंक वी हैव वन ओवर विद डिसेंसी. जो आपके ऑब्जेक्टिव थे जाने जहाँ के जरिए, अब जब आप फीडबैक देखती हैं तो आपको लगता है कि एटलीस्ट 60-70% आपने उनमें से अचीव कर लिए या 100%? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सोच को जहन में रख के आपने जाने जहाँ लिखा था, ऐसे ही नहीं लिखा था जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. बट विद मी राबिया, मेरा पूरा करियर ही यू नो आई this what I do is very sacred for me. मैं वो नहीं हूँ सफ़े भरना and when is my next check coming and writing has made me survive very honestly. कैसे? I think हम एक ये बड़ी मुश्किल है बात, you know, when you're a creative soul and when you're extremely sensitive and when there are things you can't say to people. मैंने अपने एक मेरी थीसिस हुई थी ज़ैबिस्ट में, विच वॉज़ माई यूनिवर्सिटी जहाँ मैं थी. उस थीसिस फिल्म के बाद मुझे याद है मैंने एक बात कही थी और मैं अब तक कहती हूँ कि बहुत बातें हम कह नहीं सकते लेकिन लिख तो सकते हैं ना. सही बात है. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू राइट व्हाट आई कुडन्ट से. पहली कहानी कब लिखी आपने, व्हाइल यू वर अ स्टूडेंट या पहला ड्रामा लिखा? पहला ड्रामा तो इंटरेस्टिंगली I started out with, you know, working in channels after But I want to know उससे पीछे जाके कि लिखना कब स्टार्ट किया था? पहले कहानी लिखी थी या डायरेक्ट ड्रामों पे आई आप? नहीं वो तो मैं पर्सनल, I used to do poetry. Okay. Yeah. वो शहराम वाली पोइट्री भी आपकी है ना, इतनी खूबसूरत पोइट्री है वो. सो आई एक्चुअली हैव अ कलेक्शन जो मैंने कभी सोचा था मैं पब्लिश करवाऊंगी. सो देयर वर इंग्लिश पोएम्स एंड उर्दू पोएम्स. ओके बट देन आई गेट वेरी पर्सनल अबाउट दीज थिंग्स तो मैंने कहा नहीं इट्स तो वो अब तक मेरी शेल्फ पे है. ठीक है. एंड सो या आई थिंक आई वाज अ पोएट्री राइटर एंड आई यूज्ड टू राइट जर्नल्स, आई यूज्ड टू राइट डायरीज बहुत. ठीक है. तो क्या रोज लाके लिखती थी? मैं बहुत क्यूरियस होती हूँ उन लोगों के बारे में जो मैं लिखती थी. रोज लिखती थी ऑलमोस्ट, मतलब इफ एनी थिंग जो मुझे लगता था, इफ इट्स बॉदरिंग मी एंड आई कैन टॉक अबाउट इट आई यूज्ड टू राइट. एंड देन वन डे माई मामू सेट के बेटा ये डायरी किसी हाथ लग गई ना तुम घर गया तो मुल्क से निकाली जाओगी. ओके यू हैव अ पॉइंट. एंड देन अ टाइम केम जब मैंने वो हटा दी बिकॉज उनको हटा देना बेहतर था. ठीक है. सो कॉलेज में फिर आपसे पोइट्री करी थी, कुछ आपने लिखा नहीं था ऐसे ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी या कुछ? नहीं वो देखिए मैं आपको बताती हूँ दैट इवन व्हेन आई वाज इन ज़ैबिस्ट, एक अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यू नो आई वुड नेवर से कि मैं वहाँ जाके राइटर बनी, ऐसा नहीं था. आई वेंट देयर विद अ सेट ऑफ स्किल्स
यू नो टू फर्दर एनहांस देम. ठीक है. और सबसे ज़्यादा स्कूल के टाइम से ही इफ़ यू नो देर वॉज एनी एसे राइटिंग या स्टोरी राइटिंग सो आई न्यू दैट यू नो द टीचर लुक्ड फॉरवर्ड कि रिदा कब सबमिट करेगी तो मुझे अच्छा लगता था. तो आपको एक पुश जब मिलता है एंड यू नो आई कैन. ठीक है. वो था ज़ैबिस में हमारे इतने प्रोजेक्ट्स होते थे, शॉर्ट फिल्म्स होती थी, वो मैं खुद ही लिखती थी. और इवन देन अ टाइम केम दैट दूसरे बैच के लोग मेरे पास लिखवाने आते थे. पैसे लेते नहीं आप? नहीं. मैं तो इनफैक्ट मुझे बड़ा आई यूज टू सेव पीपल फ्रॉम रैगिंग. पता है मुझे नया बैच आता था ना, मैं उसको ले जाती थी दूसरे कॉरिडोर से. आई डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक दीज थिंग्स एट ऑल. आई डोंट थिंक बुलिंग इज कूल एट एनी लेवल. थोड़ी बहुत फन रैगिंग तो हो सकती है बट बुलिंग पे नहीं जाए तो फाइन. बट यू नो वो वाला जो टाइम था अराउंड 2008, उस वक्त तो उतना कोई व्हाट्सएप का भी दौर नहीं था. बट पीपल यूज टू रिकॉर्ड थिंग्स एंड पुट ऑन यूट्यूब. So I still have videos of you know guys with lipstick on YouTube and I'm like no that's not okay. तो वो कुछ ज़्यादा ही ना वो चीज़. तो खैर ये था कि यू नो कहानियाँ. और फिर वहाँ पर एक आई थिंक फाइनल जो एक मेरा पुश था ना दैट वॉज माई थीसिस. उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो है कि मुझे एक मेल लीड चाहिए था. यूजली तो थीसिस फिल्म्स में आपके अपने ही यू नो फ्रेंड्स क्लासमेट्स काम कर रहे होते हैं या इफ़ यू कैन गेट होल्ड of a good actor, that's you know a plus. So I sent the script to one of my friends and I said ke main dhoond rahi hu something and then he replied back. He said I'm sitting with Sarmat Khusert. Oh. And he loves your script and he wants to do the father's role. Are wah. So yeah, he played the father. Your thesis ki yeah in my film mein. In my thesis. Lucky you, mashallah. So that was it. Bas wahin se aapne socha ye direction hai. Maine kaha ab to yahi hai. बस इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है. एंड उसके बाद चैनल का जब शुरू हुआ ऑब्वियसली कंटेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके तो पता चला ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है जो ये कर रहे हैं. तो कैसे आसान था किसी भी कंटेंट डिपार्टमेंट में जॉब लेना? किधर सबसे पहले आपने स्टार्ट किया? आसान तो नहीं था. आई थिंक आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप पहले एट जो स्टाइल 360 होता था हम टीवी पर जी वहाँ पे. वॉज वेरी गुड एनवायरनमेंट वहाँ का, एक अच्छा वो था. इंटरेस्टिंगली मुझे डायरेक्शन का मेरा माइंड था स्क्रिप्ट राइटिंग से ज़्यादा बिकॉज आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट आई हैव द आई फॉर इट. बट वंस यू सी द ग्राउंड रियलिटीज आई न्यू आई एम नॉट दैट थिक स्किन्ड. सो आई गॉट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू असिस्ट अ फ्यू पीपल टू स्टार्ट एज द AD बट आई चोज नॉट टू. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे बिहाइंड. ठीक. एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन. तो फिर कुछ और कंटेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम किया? किया मैंने. आई वॉज इन A+ फॉर 3 years. ओह, 3 साल. 3 साल विद सादिया वॉज देयर. सादिया जब्बार वॉज देयर. ओके. और वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस देयर आल्सो. तो फाइनल कब डिसाइड किया कि मैंने कंटेंट डिपार्टमेंट? कितने साल आपने काम किया कंटेंट डिपार्टमेंट्स में? आई थिंक माय चिल्ड्रन हैव बीन अ ब्लेसिंग इन दैट सेंस बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड देन आई वॉज इन माई 5th month व्हेन I decided to leave the job. और मुझे बस एक वो आई कि let's write. And I just messaged someone and मैंने कहा मुझे लिखना है. उन्होंने कहा आ जाओ. Okay. So I started with Six Sigma. Okay. And that's how Be-Intaha happened. But Be-Intaha was the second thing that I wrote. Udgars होने लगा था फिर वो रुक गया. And then as God had decided, I pitched it to Sana Shahnawaz after 2 to 3 years when I started writing. Be-Intaha जब ऑन एयर हुआ उसके बाद और ARY को वो बहुत पसंद आया और वो ARY पे चला गया. सो दैट्स हाउ Udgars happened. That was the first ever thing that I wrote. और जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला. Yeah. Emerging talent का. Yeah. माशाल्लाह. Okay. ठीक है. फिर उसके बाद आप लिखती रहीं? जी. जब मैं आपका जर्नी देखती हूँ तो आपके एक दो कॉमेंट, जैसे आपने कहा कॉन्टेंट में भी गैस लाइटिंग होती है, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट आपकी लगी. एंड यू थिंक अभी तक हो रहा है और ये कैसे होता है और क्यों होता है? देखें होता इसलिए है बिकॉज इफ़ आई कैन स्पीक अबाउट जस्ट माय एक्सपीरियंस के अगर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गई हूँ जहाँ पे 20 साल से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक लड़की अगर उसी चीज़ की टेक्निकल डिग्री लेके आई है, आई डोंट नो वाई इट्स अ सेंस ऑफ insecurity for them because I faced it. I was kept out of meetings. I was literally kept out of meetings. I was not given adequate amount of work because they knew that she knows.
तो वो साइड लाइन और आपको पता है वो चीज़ इतनी बॉदर करती है, वो आपको खा जाती है जब आप कुछ करना चाहते हैं एंड व्हेन यू नो यू कैन डू इट. आई फील रबिया के हम किसी भी अगर जगह की बात करें ना तो यहाँ पर बहुत एक ट्रेंड है क्रेडिट. मेरा क्या क्रेडिट है इसमें, मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ या नहीं हूँ, मैं कंटेंट हेड हूँ या नहीं हूँ. एंड देन यू नो व्हाट, एक अच्छी खासी चीज़ को डाइसेक्ट किया जाता है कि हम अपने तरीके से लिखवाएंगे ताकि क्या है प्रोजेक्ट हेड एक्स वाई जी. यू गेट माई पॉइंट? मुझे लिटरली एक चैनल की तरफ से किसी का फीडबैक आया कि हमें इनकी कहानियाँ नहीं समझ आती हैं, हमारे हिसाब से बहुत पढ़ी लिखी हैं. मेरे माँ बाप ने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे पढ़ाना है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. बच्ची अर्न नहीं कर सकेगी. मतलब अगर मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अच्छा काम करने के लिए मैं लड़ी हूँ, दैट प्लीज़ लेट मी, यू नो आई डोंट वॉन्ट दिस. मुझे नहीं सीढ़ियों से गिराना, मुझे स्त्री से नहीं चलवाना किसी को. मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ. एंड दिस अगेन वॉज द प्रॉब्लम विद जाने जहाँ एज वेल, दैट बहुत सारी चीज़ें देखिए हम इवन इस कहानी, आपको पता है जाने जहाँ के 7 ड्राफ्ट थे. आई रीड इट 7 टाइम्स राबिया. इट्स लाइक समझे कि ये स्टूडियो है या जगह है, चीज़ें वही थी, सब इधर उधर हुआ है. आई एक्सपेंडेड द ब्रेजिस कैरेक्टर. ज़ीनत वॉज लिमिटेड टू 2 एपिसोड्स एंड नाउ ज़ीनत इज़ लाइक यू नो एक जानी जाती है वो. तो वो बहुत चीज़ें ऐसी हुई, बट अगेन जो होता है अच्छे के लिए होता है. एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर. द ओनली गुड थिंग वॉज दैट आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ मीठा. रोज़ मेरे मैं लोटस केक मंगवाती थी जाने जाने एक एपिसोड लिखने के लिए बहुत पढ़ रहा था. बट मैं आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ पर बुरा काम करने वाला तो खुश है क्योंकि उसको पता है मेरी मीम्स भी बनेंगी, मैं ट्रोल भी होऊंगा एंड आई एम ओके विद इट. यहाँ पर अच्छा काम करने वाला जो है वो ज़्यादा गालियाँ खाता है फॉर सम ऑड रीज़न. शायद यहाँ नहीं, शायद हर जगह ऐसा ही है. ये क्या अक्रॉस ऑल प्रोडक्शन हाउसेज है ये चीज़, या ये कुछ जगह आपको नज़र आती है, या आप कह रही हैं पूरी इंडस्ट्री इस बीमारी का शिकार है? मैं सच प्रोडक्शन हाउस नहीं कहूँगी, मैं चैनल कहूँगी. बिकॉज देखिए फॉर इंस्टेंस आई हैव हैड अ लवली एक्सपीरियंस ऑलवेज विद सना शाहनवाज. शी इज़ एज क्रेजी एज आई एम. जाने जहाँ हम दोनों का एक तरह से यू नो इट वॉज अ थॉट. बिल्कुल, मैं तो उसको मिरेकल बेबी कहती हूँ. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. सो रियली वुड एक्सपीरियंस ऑलवेज विद एक प्रोडक्शन हाउस के लेवल पर अगर मैं बात करूँ सिक्स सिग्मा के साथ, नेक्स्ट लेवल के साथ, हमेशा एक बड़ी अच्छी चीज़. और ये वो लोग हैं, मैं खुल के कहना चाहूँगी कि आपको पता है जाने जहाँ ये वाहिद प्रोजेक्ट था कि टॉप मैनेजमेंट के भी सारे लोग सर जोड़ के बैठे हुए थे कि अब ये करते हैं, अब ये करते हैं. एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व्ड. नदीम बेग साहब, हुमायूं सईद, इरफान मलिक, यू नेम इट, एवरीबडी वॉज इन्वेस्टेड. क्योंकि वी टुक इट एज अ चैलेंज कि अब तो करना ही है. Okay. कि लेट्स सी रुकता कैसे. ओके, सो यू नो इट वाज, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल एक जो था, मुश्किल वक्त था थोड़ा सा. लेकिन चैनल्स का देखें प्रॉब्लम पता है क्या है, आई एम अ स्टोरी टेलर, आई लाइक टेलिंग स्टोरीज. चैनल वांट्स अ प्रोडक्ट. यू सी द डिफरेंस, इट डजंट स्टे दैट ऑर्गेनिक. ठीक है कि अब उसमें अच्छा ये करवाओ, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा. बिकॉज कमर्शियल वैल्यू उनको अपनी चाहिए है, दे वॉन्ट टी आर पीज. मैं किसी को डाउन प्ले नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है दैट यू नो एन वो रेटिंग चार्ट आता है ना, वो फिर आप प्रोड्यूसर की फप्पो, कॉन्टेंट हेड, उनकी अम्मा विद 50 अदर्स को आप टैग करके कहते हैं फीलिंग ब्लेस्ड 11.2 विच इज़ ग्रेट, यू नो कॉन्ग्रेट्स. बट इतना छोटा पैमाना नहीं है. अपनी मेहनत को, अपनी हार्डवर्क को मेजर करने का, इट्स बिगर देन दैट नंबर. सो यू नो टिल नाउ जाने जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन द स्लॉट लीडर. मैंने एक दफ़ा भी उसका रेटिंग ग्राफ मैंने शेयर नहीं किया है ऑन माय सोशल मीडिया. आई फील इंसल्टेड बिकॉज हमारा एफर्ट, हमारा प्यार, हमारी डेडिकेशन इज़ सो मच बिगर देन नंबर विच इज़ बींग जनरेटेड बाई रेटिंग मीटर्स. जो मुझे नहीं पता कौन सी पाइपलाइन से आते हैं, बट आई डोंट नो हाउ क्रेडिबल दैट इज़. कुछ लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, चैनल नीड्स दिस राइट.
तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि फिर आपको इस मोड़ पे ले आना, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना अपने काम को लेके, आप लिखना छोड़ दें, मैं आपको बता रही हूँ। सो डू यू फील कि राइटर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती इंडस्ट्री में? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी आनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंस। मेरी पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों से एक वो हुई है, यू नो, इस बात पे कि यू नो इफ़ वी आर नॉट बीइंग पेड जस्ट फॉर द वर्क, इट्स योर टाइम, इट्स योर माइंड, इट्स योर एनर्जी, देयर इज सो मच मोर। आई फील आप लोग तो बुनियाद खड़ी करते हैं ना, उसके ऊपर चीज आती है। अगर खाली पेपर चलाए स्क्रीन पे, चला के दिखा, डायरेक्टर को मैं कहती हूँ ही इज द हेड ऑफ द शिप, आई से इट, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी एक बुनियाद दी जाती है जिस पे वो एक महल तामीर करते हैं। अगर वो महल बुनियाद ही नहीं हो तो उस पे महल भी तामीर किया जा सकता है। ऐसा ही है, इवन वी वर वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, पूरा एफर्ट हमारा पिछले 2 साल से चल रहा है, एंड आई एम फिलहाल द स्पोक्स पर्सन फॉर देम, और उसमें हमारी कोशिश यही थी कि राइटर्स को एक पेज पे लाया जाए। सो जनरल तो चलें, एक वो एयर ऑफ कंपटीशन तो चलें, सबके बीच में होता है, बट मुझे लगता है कुछ लोग बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, कुछ लोग जो हैं द स्टैंड देयर ग्राउंड के नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे होता है वो भी तो कर रहा है, देन हु आर यू टू रेज योर वॉइस। तो वो चीज़ अगर सब अड़ जाए ना एक चीज़ पे, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो लेकिन वही ना, तो इसका मतलब है कि राइटर्स में भी इत्तेहाद नहीं है, हम एक्टर्स भी नहीं देख रहे हैं, कोई कोई नहीं है, तो देखिए हर कोई एक पर्सनल बेनिफिट देखता है, हर कोई देखता है ना आप। बट डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस अगर सब लोग मिलके एक एक चीज के लिए इट विल, इट शुड। अभी 2 दिन पहले मैंने किसी की न्यूज़ फीड पे ये पोस्ट देखी कि प्लीज़ स्टॉप आस्किंग फॉर पायलट एपिसोड्स, पायलट एपिसोड्स यू आस्क राइटर्स कि आप 2 एपिसोड्स दे दें, एंड बंदा वेट करता रहता है, जवाब नहीं आता, नहीं आता, और आपको लग रहा होता है अप्रूव होने वाले, एंड 2 दिन बाद होते हो सॉरी वो तो अब नहीं हो सकता, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। एंड एक कहानी को कंसीव करना ही इट्स अ, लेकिन फिर सॉरी मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हुए, तो फिर लेकिन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि हर कहानी, ठीक है जिसने लिखी है उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन जो मांग रहे उनका भी राइट है कि उनको पसंद आई है, बिल्कुल है। तो किस तरह ये चलेगा कि क्या चीज़, और थोड़ी सी क्वालिटी सिफ्टिंग कैसे होगी अगर हर चीज़ को अप्रूव कर दिया जाए, हर चीज़ पे हर चीज़ को अप्रूव बिल्कुल नहीं करें, बट आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू फॉलो अ सर्टेन टाइमलाइन कि आप राइटर को बता दें कि एक वीक के अंदर हम आपको जवाब दे देंगे, या फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, देखें मेरा एक्सपीरियंस जिन लोगों के साथ अच्छा रहा है वो बहुत अच्छा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आजकल पता है कुछ लोग क्या करते हैं, दे डोंट इवन वांट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही 2 एपिसोड्स दे दो, एंड आई जस्ट टेल देम, मैंने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट करें, इफ़ यू नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ और व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर, लेट्स गेट समथिंग साइंड, डोंट पे मी, आई विल गिव यू 2 एपिसोड्स, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करना, ये तो फिर बदमाशी है बॉस। तो आप नए राइटर्स को क्या 2-3 चीज़ें एडवाइस करना चाहेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? नए राइटर्स को देखिए सबसे पहले आई थिंक यू नीड टू बी वेरी गुड विद योर क्राफ्ट, एक जैसा काम एक जैसे, क्योंकि हम, मुझे लिटरली लगता है एक गन्ने की मशीन है और उसमें एक स्क्रिप्ट डाली जाती है और निकलती है, और डालते हैं और निकलती है, यू नो इट्स ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी विद डिफरेंट फेसेस, एंड यू नो होल्ड ऑन टू योर यूएसपी, योर यूनिकनेस, जो आपको लगता है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मनवाएं। मुझे क्या एक नए राइटर के पास इतनी वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी नहीं होती ना, नहीं होती, लेकिन देन अगेन देखें मैं समटाइम्स आई थिंक मे बी इट्स लक, इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। इन माई केस मैं जो हूँ, मेरा हमेशा से ऑल और नन वाला मामला रहा है, आई गेट वेरी एक्सट्रीम विद थिंग्स, तो मैं लग जाती हूँ किसी चीज़ के पीछे तो मैं लग जाती हूँ, मुझे नहीं करना होता तो मुझसे कोई नहीं करवा सकता, आई एम दैट, आई डोंट नो हाउ टू वॉक ऑन द मिडल ग्राउंड। सो व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई थिंक व्हेन वी वर डूइंग बेइंतहा, मेरे लिए इतनी अच्छी और ख़ुशी की बात थी दैट नदीम बेग साहब वॉज यू नो सुपरवाइजिंग द स्क्रिप्ट, एंड ही जस्ट न्यू के उन्होंने जब शुरू का पढ़ा कि मैं किस तरह लिखती हूँ, एंड ही सेड कि हमें छोड़ो,
we need Rida Bilal in this. We need your flavor. Okay. And that meant so much, you know, coming from him. True. तो अच्छे लोगों के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. I've learned a lot from these people. लेकिन आप तो फिर लकी हो गई ना, हर किसी को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि नदीम बेग उनका स्क्रिप्ट सुपरवाइज कर रहे हैं, यू नो. तो वो लोग क्या करें? एक तो आपने बोला कि क्राफ्ट अच्छा आना चाहिए, होल्ड ऑन टू योर वैल्यूज या योर व्हाट यू बिलीव इन. इज एनीथिंग एल्स लाइक शुड दे डू अ मिडिल ग्राउंड कि कहीं थोड़ी प्रोडक्शन हाउस की भी सुन लें, अपनी भी कर लें, फिर इवेंचुअली अपना सही वाला लेकर आएँ या नहीं? सिर्फ उनकी बात नहीं है राबी, अब तो हम भी यही कर रहे हैं. मैं अगर आपको जाने जहाँ की एग्जांपल दूँ, देखें एक चीज़ जिस पे मुझे बहुत खुशी है वो ये है कि हमजा अली अब्बासी एंड आयजा खान केम ऑन द ओरिजिनल ड्राफ्ट, जो पहला ड्राफ्ट लिखा था, तो हम मुतमईन थे कि हम तो अच्छी चीज़ कर रहे हैं. सही बात है. हमज़ा वो ही पढ़ के आए थे कि मुझे क्या करना है. उसके बाद वो जितना भी चेंज हुआ, जो कुछ भी हुआ, हम बड़े मुतमईन रहे कि यार हम सिंस डे वन वी वर यू नो ऑन दैट कि हमें ये करना है. मेरा अब मैं भी अगर आगे कुछ भी काम कर रही हूँ, इवन विद जाने जहाँ, तो अपना काम अप्रूव करवाने का अब सिर्फ एक तरीका रह गया, 10 बातें उनकी माने, जहर का घूंट पी के, और 40 अपनी मनवाएँ. ओके ठीक है. दैट हैपेंड विद जाने जहाँ एज वेल. फॉर इंस्टेंस, मानूर वॉज नेवर सपोज टू गेट मैरिड टू कबीर. शुरू में मानूर एक कज़न की शादी पे थी, जहाँ कबीर आया हुआ था, वहाँ ये उसको हरेस करना शुरू करता है. बट जस्ट टू एड अ लिटिल कमर्शियल वैल्यू, वी सेड शादी तो होनी है, व्हाई नॉट शो मानूर के तो चीज़ें वही हैं. ठीक है, स्टोरी का इमोशन वही है, बट पीपल लाइक टू वॉच शादीज. ये है ना, ये चीज़ें वो हैं जो एक चैनल मांगता है, एंड राइटफुली सो. ठीक है कि इतनी चीज़ें तो आप कर सकते हैं. आप अपना मेन ऑब्जेक्टिव आपका वही था, तो वही है. तो आई एम हैप्पी कि जाने जहाँ के पूरा एक एंटायरिटी में अगर मैं उसको देखूँ, तो मैं इस रीराइट को भी एक रीराइट इसलिए नहीं कहूँगी. एक तो आई थिंक इट्स 7 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. वी ऑल चेंज. आई चेंज एज अ राइटर, आई चेंज एज अ पर्सन. और जो इस फाइनल ड्राफ्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद पहले मेरे अंदर नहीं थी. तो अच्छा ही हुआ ना फिर. बहुत अच्छा. हर चीज़ आपको लगता है वो बेहतर चीज़. हर चीज़ अच्छी है. हर चीज़ अच्छे के लिए है. कुछ चीज़ें ओरिजिनल ड्राफ्ट में बड़ी कुछ मज़े की थी. लाइक देयर वर लॉट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन महानूर एंड किश्वर. क्यों कट कर? अच्छा, महानूर एंड किश्वर. किश्वर बिकॉज़ मैं समझी महानूर और शराम ने क्यों कट कर दिया. बिकॉज़ फॉर दैट महानूर का उस हवेली में आना जाना बहुत था, तो वहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आई कि भाई लड़की को इतना आउट ना करो, उसको थोड़ा सा अपने घर पे भी रहने दो. व्हाई शी इन द हवेली ऑल द टाइम, व्हाट्स रॉन्ग विद हर. उनको पता था ये क्रिटिक्स क्या बोलेंगे. आई कैन जस्ट सी दैट राइटर तो है ही बाबली, इसने खुला लिख दिया है. तो वी हैड टू कंटेन इट. वी हैड टू. सो आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि जब एक चीज़ जो थोड़ी बहुत सेंस बन रही होती है वो आपको दी जाए एज अ राइटर भी, तो आप भी उसको अप्रिशिएट करके यू आर ओपन टू इनकॉर्पोरेटिंग थिंग्स. इट्स नॉट लाइक कि बस नहीं मुझे नहीं करना, बट एज लॉन्ग एज वो चीज़ सेंस बना रही है. हेल्दी इनपुट क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, इट्स फॉर द बेटर. एंड मैं क्रेडिट दूंगी पूरा, ये जो स्टॉर्म का सीक्वेंस था, फ्लड वाला, आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट. अच्छा. बट हमने हम कंटेंट हमारा सारा सना अली साहब, नदीम बेग साहब, उन्होंने कहा लिख करते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता था कासिम इतना प्यारा शूट कर देगा. शूट किया, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ऐसा ना हो कि शूट करने में एक ड्राई एक वो लगे कि यू नो क्या हो रहा है, फील नहीं आया, फील नहीं आया. इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए. बट माय गॉड, आई वॉच द एपिसोड एंड आई जस्ट मैसेज्ड कासिम. अच्छा, मेरा कासिम का बड़ा मज़े का चलता है. एक वीक मैं मैसेज करती हूँ, यार आपने क्या डायरेक्ट किया नहीं, इज़ लाइक भाई आपने लिखा है ऐसा. फिर एक दिन उसका आता है कि यार क्या लिखा है, मैंने कहा आपने डायरेक्ट ऐसा किया. I love the positivity that is chal raha hai na industry ke sath. Acha, ek din I got a message and he's like, is everything okay? Maine kaha keh raha yaar feedback de diya karo, main dara hua hota. Acha, kaise aapko feedback chahiye? Aap mere review sun rahe hain, aap direct feedback milegi aapko. But jaane jaan main dekhti hu na, to mujhe double mere views hote hain jaane jaan ke bare mein. Ek taraf main I love the positivity. Yeah, I love the progressive characters that you have shown. Yeah. हम जब से मैंने रिव्यू कर रही हूँ, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे अच्छा लगा है कि महानूर इंडिपेंडेंट लड़कियों की वो एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट करिए जिसके बारे में मुझे हमेशा शिकायत रहती थी कि वो टीवी पे नहीं दिखाए जा रहे, कि वो बोल्ड है बट काम है या अनरीजनेबल नहीं है. yeah.
तो शहराम कितना सॉफ्ट इमेज ऑफ मेन, यू नो तैमूर इज सो पॉजिटिव, यू नो ऑल दिस अब्दुल का चेंज हमें अच्छा लगा. सो इट्स लाइक इवन द फादर, यू नो लाइक सच लवली कैरेक्टर्स एंड वेरी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस. बट देन आई लुक एट किश्वर एंड आई लुक एट द साजिश, तो मुझे लगता है कि हम एज ओल्ड साजिश की तरफ चले गए. तो ये क्यों है? दूसरा मुझे ये भी लगता है, जितना मैं आपको सुनती हूँ, दैट यू हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस जिसके आप अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है, और आपकी अपना एक सोच है, तो फिर ये जो जहर देने वाला एलिमेंट है ना स्टेप मदर का, वो मुझे थोड़ा सा ना उस पर रिजर्वेशंस होती हैं. फिर क्योंकि स्टेप हर कोई स्टेप मदर, बल्कि कोई भी स्टेप मदर किसी सुतेले बेटे या बेटी को जहर तो नहीं दे देती जनरली ना, कोई एक मे बी हो भी सकता है, मुझे नहीं पता. तो फिर ये जो एंगल डाला, ये आपका अपना था या ये फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ का एक प्रोसेस था? मैं ये समझना चाह रही थी. जब कहानी लिख रही थी मैं जाने जहाँ की, तो वो कहानी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक किरदार था, नैबू शहराम. आई बिल्ट जाने जहाँ अराउंड हिम, ठीक है, दैट्स व्हाई यू कैन सी ऑल द लव दैट इट हैज़ बीन रिटन विद, बिकॉज मैं पर्सनली आई कनेक्ट अ लॉट विद शहराम्स कैरेक्टर as with my other dramas and the male leads. I think a lot of what I believe in reflects in, you know, their persona. Ek character aisa zarur chahiye tha jo face value pe bahut meetha ho, andar se utna hi kadwa. And then Kishwar came into being. Hum agar sirf ek apna South Asian region ko hata ke, मैं पिछले 6 महीने में 5 केसेस पढ़ चुकी हूँ बाहर के, US के, वेयर द वाइव्स वर स्लो पॉइजनिंग देयर हस्बैंड्स विद डीजल विद गॉड नोज व्हाट थिंग्स दैट वर कॉट ऑन कैमरा, साइनाइड, क्या क्या, आप नेटफ्लिक्स इज फुल ऑफ इट, देयर इज सो मच कंटेंट ऑन स्लो पॉइजनिंग. इट रियली इंट्रीग्ड मी कि ये हो रहा है. ओके और ये यही वो एलिमेंट था कि मुझे था कि ये एक ऐसी चीज़ कि एक लड़का जो इतना डिपेंडेंट है एक औरत पे, ही हैज़ लॉस्ट एवरीवन एंड ही वुड थिंक ये आखिरी इंसान है जो मेरे साथ बुरा कर सकता है, और वही आपके साथ कर रहा है, बट इट हैज़ टू बी इन अ सटल वे. सो देन वी डिसाइडेड अपॉन द थिंग, क्योंकि शहराम को उस पॉइंट पे लाना था जहाँ वो वीक हो रहा है. ही वॉन्ट्स टू डू गुड बट ही इज़ अनएबल टू. अब एक उसमें ऑप्शन क्या था, टू शो हिम एज एन अल्कोहलिक? नो, दैट वॉज एन ऑप्शन दैट वी थॉट ऑफ. Okay. जब ये इंडिया के लिए हो रहा था, ये पॉसिबिलिटी थी. उसके बाद आई चेक्ड इट आउट कि नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता. उसको उस स्टेट में लाना वेर ही इज डेज्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कनेक्टेड दैट विद स्लो पॉइजनिंग. यहाँ से वो हुआ सारा. क्योंकि पता है, देखें, इन जाने जहाँ आपको कहीं ना कहीं, जो हम 7 stages ऑफ लव की बात करते हैं ना, वो आपको हर जगह कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, विच इज़ हब, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून एंड मौत. या बार बार मौत का जिक्र मत करें. वो मेटाफोरिकली भी हो सकता है. डोंट किल शहराम, अभी बता रही हूँ मैं, पंगा आपसे ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा ले रही हूँ. डोंट किल शहराम, आई लव, मैं अपने सारे फैंस के साथ आ जाऊंगी आपके पास. आई हैव बीन इन लव विद शहराम सिंस 7 years. मेरा बहुत पुराना रिश्ता है शहराम से. मोहब्बत की हद आपने मौत कर दी है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कितना अपने दिल को तसल्ली दूँ? किश्वर, ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ा मुश्किल है. पता है, देखें, अगर हम जनरली बात करें, हर किसी का तो बड़ा दिल नहीं है. किश्वर बीइंग इन दैट हवेली, इट्स ऑल रेहाना 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 रेहाना. वो कुछ भी कर ले, हाउ डेक्ड अप शी इज. रेहाना वॉज रिमेम्बर्ड फॉर हाउ नाइस शी वॉज, और फॉर अ फैक्ट उनको पता था कि मुराद भी रेहाना को नहीं भूला. तो एक फ्लैशबैक था जो आई थिंक सिर्फ हमारा वो ऑडियो था उनका और मुराद का, जहाँ पे वो कहती है कि जो कुछ मिला है किसी और का ही मिला है, औलाद भी, मोहब्बत भी. हर कोई ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाता. सो आफ्टर द हस्बैंड वाज आउट ऑफ द वे, एक हिंड्रेंस यही था बंदा, तो उसको हमने इस चीज़ से कनेक्ट किया. आई लाइक द वे आपका कैरेक्टर, आप कैसे डिफेंड कर रही हैं उसको. नहीं हुआ ना, जैसे नेगेटिव कैरेक्टर को आपने इतने बैठ के ये वो सही कर रही है, मतलब सही तो बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जो जो उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से तो शी हैज़ आउटडन हरसेल्फ ना. इफ इट्स रिटन एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, इवन तबरेज़ फॉर दैट मैटर, हु इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ किश्वर.
वो बात बात पे कहता है ना, मैं आप ही तो गया हूँ, आप भी तो ऐसे हैं. सो दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं इस बात से. एक तो बिल्कुल आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि वो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे विच इज स्लो पॉइजन से बात करना चाहती थी, तो वो मुझे थोड़ी सी अब समझ आ रही है कि और किस तरह करते हैं अगर इसी टॉपिक पे बात करते हैं. लेकिन सिर्फ कंसर्न मेरा ये कि जब कोई एक नेचुरल प्रोसेस या एक नेचुरल जो, बिकॉज ये बात एक गिवन है कि जहाँ हम ये कह रहे हैं कि बहुत सी स्टेप मदर्स पॉइजन नहीं दे रही होंगी, देर आर केसेज जहाँ स्टेप मदर्स के दिलों में कुछ ना कुछ होगा. ये भी एक हमें केसेस नज़र आते हैं, होता है, तो हम उसका एक रियलिस्टिक साइड दिखाते तो शायद ज़्यादा रिलेटेबल मुझे लगता. सेकेंड मुझे ये भी है कि फिर हम मेरे जहन में ये भी आता है कि क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई इसको देख के आइडिया ले ले. अब ये कहना, हमेशा मेरी इस बात पे थोड़ा सा बहस होती है कि नहीं, ड्रामाज आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. लेकिन अगर हम शहराम और मानूर को क्रिएट कर रहे हैं विद द इमेज एंड विद द थॉट इन माइंड कि ये लोगों का परसेप्शन या लोगों को एक आइडिया देंगे अबाउट पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव मेन और इंडिपेंडेंट वुमेन, तो फिर हम उसी तरीके से किश्वर पे भी तो ये लॉजिक अप्लाई करेंगे कि उसके एक्शंस भी किसी को आइडिया दे सकते हैं कि यार ये यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री. बट तो मुझे बस ये अगेन एक हमें कहानी बननी होती है, कॉन्ट्रास्ट भी आना होता है, यू नो द ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड द ग्रेज. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं किश्वर की जो कि आई थिंक सवेरा जी ने उनको बड़ा अच्छा प्ले किया है और बहुत सटली किया है. वरना कहीं काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे आई थिंक जो लिखा हुआ था उनका कोई थप्पड़ नहीं थे, लेकिन अग्रेशन कहीं ना कहीं बहुत था, लेकिन उन्होंने उसको भी एक बड़ा मीठे अंदाज में किया एंड आई लव इट. सेम गोज़ विद तब्रेज़. तो मुझे तो इफ़ आई लुक एट इट एज अ थर्ड पर्सन मुझे बहुत मज़ा आता है. नहीं नहीं, आई ऑल्सो एंजॉय इट. बट अगेन वही वाली बात, आई 100% अग्री कि जहाँ पर शहराम और मानूर की बात हो रही है, अब हमारा फोकस, हम भी तो थोड़े से बायस्ड है ना, हमने सारा अपना प्यार उसी उन्हीं दोनों में डाल दिया. दे गॉट द बेस्ट ऑफ इट. एंड देन बट देन अगेन नन ऑफ द अदर कैरेक्टर्स आर निग्लेक्टेड. आई लव देम एज मच. सो यू नो वी एंजॉय वाचिंग ऑल द कैरेक्टर्स. जाने जान, ये जस्ट एक डिस्कशन है. no, जो ऑफ कोर्स तो ऑडियंस के जहन में भी बात आती है, तो हम उन सारे पॉइंट्स को भी केटर कर रहे हैं. बट अगेन स्लो पॉइजनिंग वाला टॉपिक वाज वेरी इंट्रीगिंग के इसको मैंने कहा था करें. सी दैट्स व्हाई ना, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग कि जिस चीज़ को हम जिस तरह सोचते हैं राइटर कुछ और तरीके से सोच रहा होता है. हाँ, ये राइटर की एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है. इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट जो आपने अभी शेयर किया हमारे साथ. आप हिजाब लेती हैं और पहले नहीं लेती थी, आप सर कवर नहीं करती थी. ये करने के बाद क्या आपके स्क्रिप्ट्स के बारे में जो लोगों के आइडियाज होते हैं या लोगों की परसेप्शन थी, वो चेंज हुई? आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? नॉट एट ऑल. बिकॉज आई थिंक मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनको भी, स्पेशली माई मदर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड मी कि रिदा तुम जिस फील्ड में हो, यू थिंक यू कैन? मैंने कहा आई नो हु आई एम डूइंग इट फॉर, दैट्स इट. वो मेरी ख़त्म थी बात. हमारी कुछ चीज़ों में बड़ा अलग थॉट प्रोसेस होता है. एक बहुत लोगों को कुछ लगता है कि यू नो एक मे बी कि यार इस चीज़ को बैकवर्ड समझा जाएगा या रिग्रेसिव समझा जाएगा. आई हैव नॉट फेल्ट मोर लिबरेटेड और सिक्योर इन माई लाइफ देन आई डू नाउ. माशाल्लाह, मैंने पहले से ज़्यादा काम किया, पहले से अच्छा काम किया, पहले से ज़्यादा खुश हूँ. सो नन ऑफ़ दी अदर थिंग्स यू नो मैटर. एंड मुझे बिल्कुल भी कहीं पे ये जगह ये फील नहीं हुई कि किसी को लगेगा कि अच्छा अब रिदा ये नहीं लिखेगी या वो लिखेगी या चलो लेट्स नॉट. हाँ, एक दो लोग आई थिंक मैं आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आई हैड अ डिस्कशन विद अ फ्यू पीपल दैट इफ यू थिंक आई एम वेरी अनकूल टू बी अराउंड नाउ, दैट्स द डोर. एंड इट हैपेंड, एक दो लोगों के साथ हुआ है. मैं जब काम कर रही थी ना रबिया चैनल्स में भी, तो आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा. बीइंग अ वुमन, या अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू सॉ इन ग्रे आई वेंट थ्रू इट. ओके, आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ इट एंड इट टेक्स अ लॉट टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम हेयर टू हेयर दैट आई हैव अ हेड एंड आई यूज दैट. मैं एक चैनल में एक कंटेंट मीटिंग में बैठी हुई थी. अब आप सोचें कि मैं बड़ी मेहनत से एक असिस्ट कर रही हूँ स्क्रिप्ट को
और सामने खातून ही मुझे कह रही है ये तुम क्या लिखने में वो हो गई हो, आओ स्क्रीन पे आओ ना. आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमन हियर एंड आई सेड नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. दिस वाज एवरी डे. और आप एक चीज़ नहीं करना चाहते और यहाँ पे सबको लगता है कि सब डमीज़ हैं, किसी का दिमाग नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो मुझे अब पता है कि अगर मेरे पास कोई काम के लिए आएगा उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होंगे, बिकॉज बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं दैट यू नो पीपल आर ट्राइंग टू बी वेरी फ्री एंड सो जो गंध थी वो फिल्टर आउट हो गई है. और ये रीज़न था आपका स्टार्ट करने का? नहीं, मैं लेट मी शेयर कि पिछले 10 से 15 साल बैक टू बैक ना एक इट्स बिन अ सीरीज ऑफ लूजिंग पीपल. माई डैड, आई थिंक यंग डेथ्स अफेक्ट यू अ लॉट. सो माई फादर वॉज जस्ट 49 एंड उनको लिवर कैंसर हुआ, ही वॉज वेरी यंग. और आई नेवर गॉट द टाइम टू, वो होता है ना संभलने का वक्त नहीं मिला. एक चीज़ हुई, कोई और चला गया, उससे नहीं निकली, कोई और चला गया. एंड इट वॉज अफेक्टिंग मी मोर बिकॉज माई पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड. सो आई वॉज लाइक रियली अलोन एट दैट टाइम. और मैं जो कुछ चीज़ें फेस कर रही थी मैं अकेले कर रही थी. इट वॉज यू नो मेरी मदर की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आई डिडंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व हर. सो I lost my father and then I lost a very brother-like cousin. He was just 26 and he was in Canada and he had a heart attack. तो मेरी ना इस दुनिया से जो sense of belonging है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है. I'll be very honest. I'm just preparing for that. एक balance आपको रखना होता है हर चीज़ का. But social media की हम ना बड़ी बात करते हैं कि क्या है ये वो ये वो, but अच्छी चीज़ों की भी बात करनी चाहिए. This was 2 years back when I was totally lost. और मैंने हमेशा बड़े एक इज्जत से देखा है और सुना है जुनेद जमशेद साहब को. एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू तारिक जमील साहब बयान अबाउट जुनेद जमशेद ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. ओके. एंड आई कुड रिलेट टू सो मच. आई रिमेम्बर मैं पूरी रात रोई थी, पूरी रात, बिकॉज वो एक चीज़ है जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी और वो बड़ी खूबसूरत बात है. तारिक जमील साहब सेड कि जुनेद जमशेद मेरे पास आए और उस वक्त वो एक बड़ी अजीब क्रॉस रोड पे थे. एंड जुनेद जमशेद सेड के मौलाना साहब एक पाकिस्तानी नौजवान जिस फेम, जिस सक्सेस, जिस पोजिशन, जिस खूबसूरती की उम्मीद कर सकता है वो मेरे पास है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूँ. I think that line killed me because I have felt that my entire life. So Tariq Jameel saab told him ke tumhare baaye ghutne pe chot lagi hai, tum dawa daaye pe laga rahe ho. Unhone kaha kya matlab? Unhone kaha ye sari cheezon ka taluq to zameen se hai, rooh ki ghiza upar se aati hai. I think I just, wo ek hafta mera bada emotional tha. Next day I woke up, I celebrate my hijab anniversary. It's going to be 2 years now. It was 16 June. Next day I woke up, I covered my head and I never looked back. MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much for sharing this story. I'm sure ये बहुत से लोगों के लिए inspiring होगी. And और मुझे लगता है आसान नहीं है. ये बहुत एक हिम्मत का काम होता है. And congratulations. And मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको आपने हिम्मत की और आप इस पर लगी हुई हैं और कोई भी चीज़ आपको इससे हटा नहीं रही है. यू नो वॉट, एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रक की थी जब मैंने कहीं पढ़ी थी कि डोंट लेट द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ बी द फर्स्ट डे ऑफ योर हिजाब. दैट्स व्हेन योर हेयर इज कवर्ड. ट्रू. मेरा बहुत चीज़ों के मामले में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, पता है. मैं आई थिंक एक पॉजिटिव सेंस में ही कहूँगी कि हम कहते हैं ना कि यार आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू. When you change from you change I have to go up, I get to kar dete hain, I get to work, I get to wake up. Yeah. It changes everything. It's a blessing that you get to do all of this. Aap apne paon pe khade hain. Sahi baat. I get to cook for my family. I get to wake up in the morning. Meri life itni change hui hai 2 saal mein. I started waking up for tahajjud. Meri subah 4:30 baje ho jati hai.
आई गेट मोस्ट वर्क डन. नहीं, मैं रात को जल्दी बच्चों के साथ सो जाती हूँ. एंड आई वेक अप एट 4:30 और 5 एंड आई डू ऑल माई वर्क सुबह. सो अर्ली मॉर्निंग्स आर द बेस्ट. इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है. सो आई डोंट प्रेफर लेट नाइट्स. बच्चों के साथ आप फिर पागल हो जाते हैं बिकॉज यू नीड स्लीप, राइट? एंड योर किड्स डिजर्व द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. सही बात है. मेरा जो भी लाइफ का बैगेज है उसमें से चाहे मैंने बहुत कुछ हटा दिया हो या कुछ अब तक लेके चल रही हूँ, वो मेरे बच्चों को नहीं अफेक्ट करना चाहिए. ठीक है. नो वे. कमिंग टू जानी जहाँ. यस, लेट्स डाइसेक्ट इट अ लिटिल बिट. इंस्पिरेशन क्या थी जहाँ जहाँ की दुनिया क्रिएट करने की? जाने जहाँ की जो दुनिया थी, आई वॉन्टेड टू शो अ मैन हेड ओवर हील्स इन लव. और किस तरह एक एक इंसान उसकी लाइफ में उस पॉइंट पे आया है जब और कोई भी नहीं है, एंड हाउ दैट पर्सन बिकम्स द होप. ये एक चीज़ थी कि ये हमने करनी है. शुरू ही शहराम से हुआ. ये शहराम है, एक लड़का है, समवन वेरी वेरी लवेबल. हमारी जब भी बात होती थी स्क्रिप्ट पे, वी लिटरली यूज टू से कि कुछ भी हो कास्टिंग का, वी नीड द परफेक्ट शहराम. एंड थैंक गॉड दिस हैपेंड बिकॉज बहुत सारे और बीच में ऑप्शंस भी आए, सब हुआ. तो सना का जो है बेसिक मुझे याद है, कॉल आई थी कि यार कुछ लिखते हैं, कुछ बहुत रोमांटिक लिखते हैं, कुछ करते हैं. और ओके, मैं लेट मी थिंक अबाउट इट. और मेरा और लाइक आई सेड कि यू नो, वो कहानी के बाहर भी एक लव स्टोरी चल रही थी मेरी और जाने जहाँ की. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन इट वाज रेनिंग जब आपने. वाओ, ओके. सो रेन, बारिश, इसीलिए बारिश बहुत, इट हैज अ लॉट टू डू विद यू नो जाने जहाँ. मैंने जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स लिखे हैं मैंने बारिश में लिखे हैं बिकॉज आई एम अ नेचर लवर. मुझे बारिश हो रही होती थी तो आप लिख रही हैं. हाँ, मैं मतलब अभी भी आप मुझे अगर कहें ना कि ये दो बकरियाँ लो और पहाड़ पे चली जाओ, मैं चली जाऊँगी. आई लव दैट. ओके. सो यू नो वो चीज़ थी. और बस वहाँ से शुरू हुआ कि एक लड़का है, उसकी ज़िंदगी में एक लड़की को आना है. आई एम अ ह्यूज इम्तियाज़ अली फैन. ओके. आई लव हिज वर्क. ठीक है. आई सॉर्ट ऑफ ऑपरेट दैट वे. इम्तियाज़ अली इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट वेमेन सेविंग मैन. वो जो खूबसूरती है ना इम्तियाज़ की, लिखाई की भी और मूवीज़ की भी, हाउ वन पर्सन कम्स इन टू योर वर्ल्ड एंड चेंजेज एवरी थिंग आइदर फॉर बेटर और फॉर वर्स. या तो आप लैला मजनू बन के निकलते हैं या फिर यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो आई हैव ऑलवेज रेजोनेटेड विद दैट. आई लव द रॉनेस ऑफ इमोशंस इन हिज मूवीज. आई एम अ ह्यूज फैन. ओके. तो मुझे यही था कि मैं एक चीज़ ऐसी लिखूं कि एक इंसान का इम्पैक्ट किसी की ज़िंदगी पे क्या हो सकता है. ये एक थॉट थी, यहाँ से सब बिल्डअप हुआ. बहुत से लोग शहराम का जब कैरेक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसे मर्द तो एग्जिस्ट नहीं करते. इतना सॉफ्ट, इतना पॉजिटिव, इतना यू नो बड़े दिल वाला. तो ये क्या रियलिटी में अपने आस पास कुछ ऐसे वर्जन देखे हैं या फिर ये आपकी थॉट है कि दिस इज़ हाउ मैन शुड बी? मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया एक दोस्त का, एंड शी सेड आई हेट यू. मैंने कहा व्हाई? कह रही है आई एम कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग प्रपोजल्स क्योंकि कोई शराब जैसा नहीं है. फिर तो बहुत मुश्किल है भाई. सॉरी. देखें, शराब इज स्ट्रेट आउट ऑफ माई ड्रीम्स. होता है, नहीं होता, बहुत अच्छे लोग भी हैं. आई लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट माई हस्बैंड. व्हेन आई मेट हिम, मैं एक ऐसे पॉइंट पे थी कि मुझे आदमियों से नफरत हो चुकी थी. एंड आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड. नेवर. लिख लिया था मैंने, हो ही नहीं सकता. ठीक है. हमारे एक फ्रेंड्स ग्रुप था, हम बैठे हुए थे, सब मुझसे बात कर रहे थे. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू बिलाल नजरें झुका के बात कर रहा था. एंड मैंने कहा ऐसे लोग होते हैं. दैट स्ट्रक मी. ओके. यू कैन स्पेंड 6 years with someone, you can have a relationship. आप हर चीज़ invest करके अगर आपको आखिर में पता चले इज्जत ही नहीं थी. सही बात है. What's the point? My purpose with the story was to highlight the importance कि इज्जत है तो सब कुछ है. जाने जहाँ में प्यार तबरेज़ को भी है गुलजेब से, लेकिन ये वो वाला प्यार है जो छीनना जानता है, शहराम लुटाना जानता है. These are all different facets of love. I would not say that what Tabriz feels is not love. It is.
But it's a very different kind of, it's a very vicious kind of love where you want to snatch it. You want to have it at any cost. यहाँ पे you get to see the opposite. एक बंदा जो कह रहा है जाओ. And he's being very, he's maintaining his dignity. लेकिन बेचारे को भी शौक लगने वाला है ना. अभी तक तो ठीक था कि आंखों के सामने तो है. लेकिन अगर मैं जैसे आपको, तो अगर आप ये बात पूछ रही हैं कि तो I saw this goodness in my husband. And then I decided that maybe I'm generalizing everyone, and maybe not everyone is the same. So, what attracted me to him was the level of respect he had. So that has always meant a lot to me. अब आजकल जो रबिया जो time है कि आप, मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ जब कि अभी ये हालात हैं universities के, जब ये लोग जाएंगे तो क्या होगा? What company are they going to be in? What are they going to do? It scares me, and I pray for them. मैं जब नमाज पढ़ती हूँ, मैं पहली दुआ पता है बच्चों की करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इनके ज़हनों की हिफाजत करना, इनके दिल की हिफाजत करना. It's so easy to be manipulated by wrong people. हम हुए हैं ना, हम हुए हैं, मैं हुई हूँ. When my parents got divorced, मैं एक इतने वल्नरेबल पॉइंट पे थी कि हर अच्छे बुरे इंसान से, जब आप इस तरह के पॉइंट पे होते हैं, आप सबसे अपनी ज़िंदगी की बेकार तरीन हरकतें तब करते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इमोशनल सपोर्ट. सही बात. एंड दैट लीव्स यू विद नथिंग. बट अगेन, जो आपके साथ हुआ है आप वो नहीं हैं, आपने उसे जिस तरह ओवरकम किया है आप वो हैं. दैट्स व्हाट यू आर, दैट्स व्हाट यू शुड ऑलवेज चूज़ टू बी. मेरे अंदर भी बड़ी आदत थी विक्टिम मेंटालिटी की, ये हो गया वो हो गया. नहीं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है. सो आई रादर बी अ सर्वाइवर देन अ विक्टिम. ट्रू, राइट? सही बात है. तो बस ये है कि अच्छे लोग हैं, कहीं कहीं हैं, और कुछ बहुत अजीब से लोग भी हैं, बट दैट्स हाउ इट इज़. आई थिंक दिस इज़ टेम्प्ररी. सो मानूर, शुरू में तो तैमूर से बड़ा हंसस की बात कर रही थी, अब रिश्ता हो गया है तो बेचारे को लिफ्ट ही नहीं करी. थोड़ा सा शिकवा है मुझे मानूर के साथ, ये जाती नहीं कर रही मानूर. जाती, अब वो कितना स्वीट है, कितना स्वीट है ना यार. वो वैसे ही, अच्छा मुझे पता भी नहीं था, मैंने जब सुना कि मादर फानी, मैंने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल कुआं और खाई वाली सिचुएशन हो गई है. बिकॉज यू नो वो दोनों ही कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं. मानूर वॉज जनरली बींग नाइस, शी वॉज बींग हर सेल्फ. मैंने जिस तरह, मैं आपको बताती हूँ, स्क्रिप्ट में लिखा था मेरी एक, तो मैं उसको प्रॉब्लम को हुए क्या कहूँ, मैं लिखाई में बहुत चीज़ें बहुत सटल लिखती हूँ कि वो बहुत इन योर फेस ना हो. सो मानूर का जो मैंने एक टर्न लिखा था आफ्टर तैमूर्स प्रपोजल, व्हाट यू सी इन द स्क्रीन प्ले इज़ दैट वो उस प्रपोजल से पुट ऑफ हो गई है. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो दोस्त था. अब वहाँ पर शी इज़ इन लव विद समवन. मैं अगर आपके साथ सिक्योर फील कर रही हूँ कि ये तो अच्छा है, दोस्त है, काम करने आते हैं, वो एकदम से जी वो आपसे शादी करना चाहता है, आप बैकफुट पे आ जाएंगे कि ओप्स आई गेव द रॉन्ग इम्प्रेशन. वो हंसती भी नहीं है, वो मुस्कुराती भी नहीं है. लेकिन हाँ, ये ना कहना तो उसके अपने हाथ वो तो हाथ में था, लेकिन वो भी उसने क्यों किया है? बिकॉज शी जस्ट, देखिए महानूर का जो इस वक्त उसका जो कैरेक्टर आग चल रहा है, बाप उससे बहुत प्यार से कहता है फ्यू एपिसोड्स बैक कि तुम्हें खुद उसको अपने आप से दूर करना पड़ेगा. यहाँ पर मानूर इज फ्लॉड, शी इज़ नॉट अ परफेक्ट गर्ल एट ऑल, शी इज़ लाइक ऑल ऑफ अस, जो हम भी हैं. शहराम तो लेकिन फ्लॉड नहीं है. नहीं नहीं, शहराम ये देखिए ना, वो तो सगा है ना, ये कैसे बोल रही है. नहीं शहराम, हाउ कैन लुक एट हर एक्सप्रेशन, इतनी ना, बट कैंडिडली यू एक्सेप्टेड कि नहीं शहराम में कोई फ्लॉ नहीं है. बेचारी महानूर को फ्लॉड कर दिया. लुक नंबर वन, बट आई लाइक, वेरी गुड लुकिंग. नंबर टू, आई रिलेट अ लॉट शहराम के साथ. नहीं मानूर, देखें जब शहराम शुरू में मुझे मैसेजेस आते थे ये शेव क्यों नहीं कर रहा, इसको उठाओ, वहाँ पर उस वक्त उसके फ्लॉज बहुत थे. लोग कहते थे ये कौन सा मरियल हीरो आ गया है कि ये उठ नहीं रहा है. उस वक्त ही वॉज फ्लॉड. अब वो इस, उसको उस पॉइंट से यहाँ तक लाने में ही ये था, क्योंकि शुरू में हमने दिखाना था शहराम को एट हिज वीकेस्ट. सो एट दैट टाइम ही वॉज फ्लॉड. सी,
बताएं वो भी आप उसको कर सकते हैं ब्लेम किश्वर पे और उसको वो नहीं आपने यहाँ तो बेचारी बाबू मुझे बदनाम करना शहराम के साथ वो ये बताएं कि मानून ने शहराम को ग्रीन सिग्नल्स दिए अब लोगों को ये भी बहुत है कि उसको करवर के अब पीछे हट गई अब तैमूर के साथ शादी पे तैयार हो गई हैं दोनों का हमेशा ही बड़ा इनडायरेक्ट इकरार तो हुआ है एग्जैक्टली द काइंड ऑफ डायलॉग्स देयर वर इट्स नॉट लाइक शहराम डजंट नो दैट she loves him of course she doesn't know that he dono loves ko pata hai mm-hmm. did you see the wahi to jo last na? episode mein my goodness jo heartbreak puppy faces the unke and I was like kya ho raha hai bahut bahut dil ko chura raha tha khoobsurat tareen ek to wo shoot kiya tha qasim ne manur agar dekhe hum is waqt kisi normal ladki ki baat kare na jisko pata hai use puri acha maine humne janboojh ke taimur ko aur uski family ko bhi itna acha isliye rakha क्योंकि इस वक्त एक रिश्ते के लिहाज से तैमूर की फैमिली आइडियल है मानूर के लिए यू सी दैट ये तो है अ लवली अंडरस्टैंडिंग मदर इन लॉ एंड अ गाय हु इज रिस्पेक्टफुल इफ नॉट एज मच एज शहराम स्टिल ही इज रियली गुड तो हमने कहा था थोड़ा ऑडियंस को भी कहते हैं कि क्या मसला है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी एक लड़की के लिए अगर एक ऐसा रिश्ता आए जहाँ पे उसको पता हो कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वहाँ पे इतने बड़े बड़े सांप हैं एंड यहाँ पे आई हैव अ प्रपोजल वेयर एवरीथिंग इज़ हाउ आई वांटेड टू बी इन द लॉन्ग टर्म वो सोचेगी उसके घर वाले ज़रूर सोचेंगे वो चाहे इमोशनली कन्विंस्ड हो या ना हो घर वाले कहेंगे घर वाले ये तो हम सबकी फैमिलीज़ में होता है यू नो बिकॉज वही वाली बात होती है कि इट्स यू नो प्यार जो कहते हैं हम दो दिन बाद खिड़की से बाहर भाग जाते हैं देन यू हैव टू डील विद द एंटायर फैमिली वो बात सही है लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ क्या वो शहराम पे ट्रस्ट नहीं करती क्या उसको लगता नहीं था कि शहराम विल बी देयर फॉर हर कि उसने किश्वर की वजह से ना की ना उसके सबसे बड़ा रीज़न जो था किश्वर प्लस अपने माँ बाप प्लस द बैक स्टोरी दैट शी केम फ्रॉम एक तो वो भी आ गया कबीर एकदम से तो एक सेफ जोन में जाने के लिए शी जस्ट सेड यस लेकिन वो यस कहने के बाद भी वो उससे डील नहीं कर पा रही है शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू डील विद इट बिकॉज शी इज़ सो इन लव Yeah, and I'm going to cry now. okay. तो शी वो तो उसमें तो कोई सेकेंड थाट है ही नहीं कि बिकॉज वो है दोनों अलग अलग किस्म की तकलीफों में मे बी उसको मुझे लगता है शहराम को एक चांस तो देना चाहिए था उसको बता दो देती थोड़ा सा बात तो कर थोड़ा देती थोड़ा तड़पे ना इधर तड़पा रही हैं आप शहराम को आपके लिए अच्छा जीनत Yes. I loved her character. Yes. कितना surprising था जहाँ हम सोच रहे थे कि negative जाएगा the character turned in. बहुत लोग सोच रहे थे बहुत लोग सोच रहे थे but Zeenat was never supposed to be a negative character. Zeenat का मैंने हमेशा से ये रखा था कि she connects with Shahram because they both have lost their parents. So हमेशा ये बात कहती है So she could feel his pain. बाकी अब जब उसको वहाँ उस एनवायरनमेंट में फंसा दिया गया एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ जो हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट था आई एम गोना शेयर दिस विद यू उसमें ये जो बॉटल वगैरह से मिलती है ये मानूर को मिलती है ओह बट उसमें मानूर की हवेली में बहुत इन्वॉल्वमेंट थी विच वॉज नॉट लुकिंग नाइस एटलीस्ट अब जब हमने इसको रिवाइज किया तो जब जीनत को हमने उसका कैरेक्टर एक्सपेंड किया है ना तो मैंने कहा लेट हर ऑल्सो बी अ सेवियर Yeah. Let her discover and let her go to Manur. Yeah. You know, that's how we connected the path. तो मैं अभी भी मैं मरियम नफीस को कहती हूँ दैट मैं और कासिम दोनों कहते हैं कि यू नो शीज़ आर चंद्रमुखी लाइक माधुरी वॉज इन देवदास वी ऑलरेडी हैव सो मैनी कंपेरिजन गोइंग ऑन ये देवदास है ये कासिम और रिदा भंसाली हैं मैं कहती हूँ नो क्या हो हाँ कुछ बहुत ही विशेष कॉमेंट्स आए हैं हैं तो हैं मेरी प्रोड्यूसर भी बहुत फिल्मी है हम सब हैं एंड वी एक्सेप्ट दैट यू नो आई लव इट कि एक चीज़ को इतना लार्जर देन लाइफ आपने बनाया है तो जिस तरह की इक्वेशन उसमें थी इन देवदास यू कैन से कि अगर आप कहें कि वहाँ पे एक लव एंगल था where you never saw the other woman being negative she just used to wait for him and she loved him yahan pe ye wahi tha ki wo aapko phir aap jab kisi se pyar karte hai na aapko usse bhi pyar ho jata hai jo uske liye ahem hai so manur was important for her also so I think wo positive character then maryam did it really well third cheez jo bahut achhi hui
कि ड्यूरिंग शूट ही मुझे जब पता चला कि मरियम नफीस इज़ डूइंग इट, सो आई रोट अ लॉट ऑफ सीन्स कीपिंग हर इन माइंड. इट्स ऑलवेज यू नो बड़ा एडवांटेज होता है जब आपको पता हो, यू हैव दैट फेस इन माइंड कि यू नो, जैसे कि जब मुझे पता चला दैट हमजा इज़ डूइंग इट, सो आई चेंज सो मेनी थिंग्स बिकॉज आई न्यू हमजा वुड लुक अमेजिंग व्हेन ही सेज़ दैट और व्हेन ही डज इट. Right, I would not have done it for other actors. Okay. But since he has that persona, and he is like that, मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं शूट पे मिली थी हमजा और आयजा से. And I will say this because इतने कितने प्रोजेक्ट की शूट्स पे मैं जा चुकी हूँ where actresses are like, you know, they don't even want to acknowledge that you're there. Aiza was getting her makeup done. She left everything. She came. She hugged me. These little things matter a lot. Of course, yeah. And they are very good people. That's so nice of them. They are very good people. मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहली दफा मिल रही हूँ. और there were all praises for the script. And Aiza was like कि आपने इतना romance लिख दिया. ये तो डर रहा है मेरा हाथ पकड़ते हुए भी. तो बड़ा मजा आया था उनसे बात करके. और मुझे इतना अच्छा लगा जब इतने अच्छे इतने बड़े actors जो है जब वो कहते हैं कि हमें लाइंस में मज़ा आ रहा है, हमें ये लाइंस कहते हुए मज़ा आ रहा है, आई थिंक यू नो योर जॉब इज़ डन. सही बात है. विल वी सी रिटर्न ऑफ ज़ीनत इफ अगर स्टोरी की बहुत बड़ी चीज़ नहीं रिवील करें तो? आई थिंक देयर माइट बी अनदर फोन कॉल ऑफ सॉर्ट्स टू शहराम और मानूर इफ आई एम गेटिंग इट राइट. लेकिन नहीं, वो जा चुकी है. ओके. अच्छा, मानूर का कैरेक्टर जब आप लिख रही थी, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या आपके जहन में था? बिकॉज आई जस्ट लव मानूर कैरेक्टर. शी डजंट वांट टू प्ले द विक्टिम. या आपको कहीं नहीं लगेगा, सेल्फ पिटी मानूर में है ही नहीं. ना उसके अब्बा को हार्ट अटैक हो रहा है, वो जो हो जाता है ना, शादी टूट गई, ऑल ऑफ दैट. ही सपोर्टिव, ही हैज़ बीन बेटर, लेकिन वो एक नहायत ही सपोर्टिव बाप है. जब उसने कहा है कि मुझे दिखता है कि क्या है तुम दोनों के बीच, लेकिन मैं क्या करूँ कि उसकी माँ नहीं समझती. सो मानूर का शुरू से ये ऑब्जेक्टिव था दैट स्टेटस वाइज चाहे वो शहराम की टक्कर की ना हो, बट उसके पास जो कुछ है उसमें भी शी हैज़ अ वॉइस, शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी लव्स हर सिस्टर, शी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर हर, आर्टिस्टिक है और अपने आप को बेचारी नहीं समझती. मुझे एक और एंगल भी बड़ा अच्छा लगा था कि शुरू में जब बारिश वाला सीन भी होता है, वो बर्थडे भी करती है, तो हमने दिखाया कि एक लड़की भी इनिशिएटिव ले सकती है अपनी फीलिंग्स को करने में. मुझे लगा कि उसने थोड़ा सा वो बड़े लेकिन रिस्पेक्टफुली विदाउट क्रॉसिंग एनी लाइन, शी गोस टू हर फादर कि आपसे एक परमिशन लेनी है. उसने जो कुछ किया है उसने परमिशन ले लेके वो, क्योंकि बाद में माँ भी कहती है उसने जब भी कुछ किया है आपकी मर्जी से किया है, आपसे पूछ के किया है, यू नो. तो वो चीज़ तो है. और उसमें उस सीन में यू कैन सी सो मच. सो मुझे लगता है कि हम ना कभी भी ये हमारी, मुझे लगता है एक सैड चीज़ है माशरे के बारे में कि जब भी लड़की कोई बहुत इस तरह का इनिशिएटिव ले तो उसको बोल्ड, उसको बहुत टैबू भी समझाता है, उसको जजमेंटल भी यू नो जजमेंट्स भी फेस करनी पड़ती हैं. लेकिन ये जो आपने दिखाया तो मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस चेंज करने में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अभी ऐसा नहीं होगा कि लोग सोचने लगेंगे कि अगर लड़की ने प्रपोज कर दिया, ये लड़की ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो इट्स कम्प्लीटली ओके. अब इट्स नॉट ओके एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न. मुझे लगता है अभी भी लड़कियों को, लड़कियाँ झिझकेंगी, यू नो हिचकिचाएंगी ये करने से. लेकिन एक थोड़ा सा एक स्टेप उस चीज़ की तरफ है जहाँ हमने मानूर को एक सटल तरीके से ये चीज़ करते हुए देखा, हमने देखा, मुझे ऐसा लगा वो तो, एंड आई लव्ड इट. हाँ, हमने देखा है, बट देन अगेन सामने भी तो उसके जो था, ऑफ कोर्स यू नो हैड इट बीन समवन एल्स शी माइट नॉट हैव डन इट. लेकिन फिर हम ये भी तो दे रहे हैं ना, हम अब आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा है कि हम, आपने अपनी हीरोइन को इतना ट्रस्ट किया है दैट शी हैज़ द सेंस टू मेक द राइट डिसीजन. आप तो उसको ये नहीं दिखाया कि वो गलत डिसीजंस कर रही है और फिर भी ऐसे फैसले कर रही है या ऐसे स्टेप्स ले रही है जो उसको महंगे पड़ सकते हैं. उसमें इतना आपने ट्रस्ट किया है कि उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो सही काम कर सके या सही जजमेंट ले सके चीज़ों के बारे में, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू हैव दिस ट्रस्ट इन आर गर्ल्स यू नो गोइंग फॉरवर्ड. जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, वो ट्रस्ट शायद उस तरह रिजल्ट भी नहीं दे सके जो हम रिजल्ट देखना चाहते हैं ख्वातीन में. और मानूर के पेरेंट्स का, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाटएवर शी डज, यू नो वो देयर नॉट टिपिकल पेरेंट्स. मुझे अच्छा लगता है वो बोले भी तो वो करने देते हैं उसको. उसने किया जो कुछ किया, ऐसा नहीं हुआ कि तुम घर से निकल जाओ और ये हो जाओ वो हो जाओ.
you know. Yeah. What about Tabriz? Very interesting character. तो हारिस ने जैसे उसको पहले आपने लिखा, कासिम ने उसको जितने खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया, एंड व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस बाय हारिस वहीद. आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम फार बेटर विद माई नेगेटिव कैरेक्टर्स देन आई एम विद द पॉजिटिव वंस. ये मेरे साथ हमेशा से है. तब्रेज का कैरेक्टर एक बड़ा एक आई थिंक इट वॉज फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन व्हेन आई वॉज पेनिंग इट डाउन. Because he plays mind games. I know. ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम खुद भी. अरे भाई क्यों नहीं बताया अपने हस्बैंड को आपने कि मैं आया था, इसमें छुपाया, मैं भी सुन रही. मैं कह रही वो जिस तरह मैनिपुलेट करता है, और अब तो वो बहुत तमीज़ से मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है. तो वो दिखाना और वो लिखना, एक तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वो जैसा भी है ना, वो मुँह पे है. माँ के साथ तो एटलीस्ट है, यू नो. आप कभी ये नहीं देखेंगे कि वो कोई बहुत ज़्यादा, यू नो, किश्वर के पैरों में पड़ रहा है. वो किश्वर से भी बहुत टू द पॉइंट, क्योंकि आई थिंक उसकी रियलिटी भी देखता है. वो कहता है, आपने चार दफा कह चुका है, मुझे भी आप यूज कर रहे हैं, आप खुद भी तो ऐसी हैं. अभी लास्ट एपिसोड में ही सेड आपको जमाल साहब से क्यों प्रॉब्लम होगा, आप खुद भी तो वैसे ही हैं. ही जस्ट सेज इट, राइट. सो तब्रेज का एक ऐसा ही मुझे कैरेक्टर हम लोगों को रखना था कि Neither you can say कि वो बिल्कुल एक विलन है. देखें, अगर अभी ये बात खुली नहीं होती कि उसने आमिर को मरवाया है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा और लोग पहले ही इतना रोमांटिसाइज कर रहे थे गुलजेब और तब्रेज को विद हैशटैग गुलरेज, व्हेन आई डिडंट इवन नो कि ये होगा. और कोई इंटेंशन भी नहीं थी आपकी? नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह हमारी रील्स ऐसी बनती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते. तो ही इज़ अ मर्डरर. He has taken after his mother, yeah. like mother like son वाला मामला है यहाँ पर बिल्कुल. उसको जो चाहिए था वो उसने बहुत step by step करके वो खेला है बकायदा यहाँ तक आने के लिए. A lot of people thought that there might be an assault. Yeah. But ऐसा कुछ नहीं किया. Never happened. क्योंकि उसने जो जाल वीव किया है वो इतना intricate है और वो अब इतना believable है कि मछली उसमें फंस चुकी है. तो अपनी मर्जी से हाँ कह रही है, ये उसकी इंटेलिजेंस है. एंड सबसे अच्छी बात है आप तीनों की, राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर की, आप लोगों ने हमें तब्रेज़ के लिए सॉफ्ट फील करवा दिया है. सीरियसली आई एम जस्ट लुकिंग, ही वाज सो अमेजिंग इन द प्रीवियस एपिसोड. आपने वो, बट यू विल गेट टू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आगे जाके. बहुत. यू आर गोना मेक मी क्राई फॉर तब्रेज. यू वांट टू क्राई फॉर तब्रेज? नो, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से. नहीं, ये जो आप लोग राइटर डायरेक्टर्स होते हैं ना, आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. आप लोगों में बात में बड़ी पावर होती है. यू कैन मेक ऑडियंसेस क्राई फॉर अ नेगेटिव कैरेक्टर आल्सो. मेरे ख्याल से ये जो आखिर के 8-10 एपिसोड्स हैं, ये सबकी एक कमिंग ऑफ एज है. ओके. शहराम इज एंटरिंग पॉलिटिक्स. तब्रेज की शादी होने वाली है. शादी होने वाली है यहाँ पे भी, वहाँ पे भी. यस. राइट. किश्वर इज लूजिंग इट. हर चीज अब क्लाइमैक्स की तरफ आ रही है और बहुत मजे से. मानूर को भूल गई आप. फिर मानूर को भूल गई आप. ये तो ये बस है, ये वाकई मसला है, कुछ तो है. वी आर जस्ट जोकिंग बाय द वे. वी आर जस्ट जोकिंग. जस्ट इतनी सीरियस बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा उसको लाइट कर रही होती हूँ. आपने, अब मैं बिल्कुल सीरियस टॉपिक पे जा रही हूँ. चलो. आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात की, विच इज़ कि जब डाइवोर्स हो जाए या विडो हो जाए औरत, तो वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती. और फिर आपने पूरा प्रोसेस दिखाया. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर डूइंग इट. एंड मुझे इतना अच्छा लगा आपका इनिशिएटिव, प्रोडक्शन हाउस का, चैनल का, डायरेक्टर का, एक्टर्स का, सबका, बिकॉज आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू यूज्ड टू एजुकेट पीपल. और आपने उसको एक सही तरीके से लेके आप लोग चले. लेकिन यह डर लग रहा था कि ये बैकफायर भी हो सकता है, कोई रिलीजियस रिजर्वेशन इस पर ना आ जाए, या इसके लिए आप लोग तैयार थे कि अगर होगा तो ऐसा करेंगे हम, या क्या? देखिए, हमने जो पॉइंट रेज किया वो तो बिल्कुल बाय द बुक्स है कि जो चीज़ कही गई है कि एक औरत ये कर सकती है. बैकफायर वहाँ पे हुआ है व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल रेज्ड इश्यूज विद गुलजेब्स ओवरऑल अपीयरेंस. नवल सईद माशाल्लाह इज सो गॉर्जियस दैट आई थिंक हर ब्यूटी ओवरटुक द कैरेक्टर. वो थोड़ा सा भी करती हैं वो बहुत ग्रैंड लगता है. प्लस कासिम रिस्पेक्ट्स माय विजन, आई रिस्पेक्ट हिज विजन. ही वांटेड टू शो हर डॉल्ड अप, कि एक लड़की है
वो अपना ख्याल रखती है, वो रखना चाहती है, तभी तो एक बंदा जिसके पास सब कुछ है उस पर आके रुका है. दैट वॉज कासिम्स विजन, सो आई रिस्पेक्ट दैट. वरना स्क्रिप्ट में गुलजेब सीधी साजी सी थी. सीधी साजी सी तो वो अब भी है, लेकिन मतलब उसमें कोई ऐसी चलाकी या वो नहीं है. कासिम, यू नो, देखिए कासिम का एक जो था व्यू कि मुझे उसको इस तरह दिखाना है कि यार किसी का दिल आया है तो किसी वजह से आया है. शी वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी यू नो शी लाइक्स टू डू ऑल ऑफ दिस. तो वहाँ पर देखें, आई एम सॉरी, ये वाली बात भी आ जाती है कि आप फिर कहते हैं ना कि वाई डू यू ऑलवेज हैव टू पॉइंट टूवर्ड्स अ वुमेंस अपीरेंस और क्लोदिंग. आप नज़र झुका के चले ना, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो बात दोनों तरफ आ जाती है. हमें इस जो रिलीजियस इशू था वो लोगों को बहुत पसंद आया कि ये बात की है. सबसे पहले तो हमें ये भी एक था कि भाई ऑडियंसेस को पता होना भी चाहिए है कि अगर वो निकल रही है तो वो किस वजह से घर से निकल रही है. पर उस पर फिर इशूज़ रेज हुए कि मुझे भी किसी ने कहा कि हाँ, लेकिन ये हुक्म नहीं है कि आप इतना तैयार होकर निकलें, विच इज़ वैलिड. लेकिन अगर चलें, आपको तो प्रोडक्शन का पता है, आप तो कहीं क्या वो वाकई इतना तैयार हुई हुई है. मैं अभी डायरेक्टली आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि क्या वो उनका मेकअप इतना ज़्यादा हुआ हुआ है, क्या वाकई हुआ है? मुझे तो नहीं लगता. शी इज़ नेचुरली लाइक दैट. बाकी जो हुआ हुआ है उनका वो उतना ही है जो, क्योंकि हमने भी दो तीन दफ़ा डॉल्ड अप वाली बात कह दी है, तो मैं नहीं चाहती कि लोग ये समझें कि हाँ वाकई देखें वो तैयार थी बहुत ज़्यादा. आई डोंट वॉन्ट टू से समथिंग विच वॉज नॉट ट्रू. बट गुलजेब का कैरेक्टर अगर वैसे देखें ग्रे है, राइट? एक तरफ मुझे समझ आती है कि वो क्यों हाँ बोल रही है, थोड़ा सा आपने उसको कॉर्नर किया हुआ है. बिल्कुल. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो या तो वो अपने एक ओब्लिवियन में रह रही है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, या वो ओके है कि वो दूसरी बीवी होगी, क्योंकि उसकी माँ कहती है यहाँ पर ऐसा ही होता है, दूसरी बीवियाँ होती हैं. तो शी इज़ ओके विद इट, और शी इज़ थिंकिंग वो थोड़े अरसे बाद बता देगा. और जहाँ हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ वो उसने एक्शन लिया जो हमें शुरू से एक उसकी रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी. गुलजेब का आप आगे जाके भी ये चीज़ देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है दैट शी विल गेट दैट रिकग्निशन. उसके दिल में ये चीज़ है, क्योंकि गुलजेब को दिखाया है. क्योंकि देखें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप जो भी कह लें. लेकिन हम अगर जनरली बात करें यहाँ पे कि अब आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास किसी की भी बात करें, कोई लोग शहर छोड़ छोड़ के काम करने जाते हैं, ठीक है? ये एक फैक्ट है कि देखें जब आप कमाने लगते हैं और जब आपको खुद अपने पैसों की आदत हो जाती है, यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. दैट इज़ गुलजेब फॉर अस. वो मियाँ के साथ काम ही करने आई थी ना यहाँ पर, उसकी जॉब सिक्योरिटी है उसके पास. अगर कहीं भी उसने ये, अब हम यहाँ डिवोर्सीज के साथ इतना देखते हैं कि दो दिन या तीन दिन आपके घर वाले, आपके अपने घर वाले आपके साथ बहुत अच्छे हैं, एंड देन यू बिकम अ बर्डन, और फिर इनडायरेक्ट ताने शुरू हो जाते हैं. एंड शी नोज इट. तो वो अपनी माँ से कहती है कि दो दिन आप लोगों को तरस आएगा, फिर मैं बोझ बन जाऊँगी, तो मुझे यहाँ पर करने दें जो मैं कर रही हूँ. एंड शी इज़ अलोन. अब उस अकेलेपन में, अकेलेपन में इंसान क्या कुछ नहीं कर लेता. दैट इज़ वन यू आर एट योर मोस्ट वल्नरेबल, राइट? और उसमें आपको एक इतना, एक इंसान जो इतना कर रहा है, शाते रहे इतना, और उसने जो गेम्स है ना उसके, एंड ही इज़ नॉट बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल. पहला इंटरेक्शन जो था तबरेज़ का, जो वो उसको बाकायदा हरास कर रहा था, एवरी वन हैज़ सीन दैट. वो तो बिगिनिंग थी जहाँ पे शहराम ने इंटरवीन किया था. उसके बाद उसने अपना तरीक़ाकार चेंज कर लिया, विच वॉज मोर पावरफुल. तो ये चीज़ थी कि गुलजेब का अब भी ये है कि शी हैज़ दैट सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. और गुलजेब का कैरेक्टर जिस तरह रैप अप हो रहा है, यू विल रियली लाइक इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लास्ट हम किश्वर पे, बिकॉज आई थिंक एक तो सवेरा नदीम ने इतना अच्छा उसको प्ले किया, इतना अच्छा प्ले किया. आई लव जब वो शहराम से भी यू नो प्रिटेंड करके बात कर रही थी, तब भी लगता है कि शी रियली मीन्स इट व्हेन शी सेज इट. तो वो हमें यू नो डबल टाइप के इमोशन से गुजारती हैं. तो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर जिसको यू, वो एक कहीं से टिपिकल भी है बट बहुत जगह पे नहीं भी है टिपिकल. एंड यू आर वंडरिंग कि ये क्या करेगी अब नेक्स्ट, ना इसके अंदर क्या चल रहा है. किश्वर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट येट द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू राइट. बहुत मज़ा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने बेटे की तरह जो है माइंड गेम्स वो भी करती हैं. क्योंकि जिस तरह वर्बली आई थिंक वो मैनिपुलेट करती है, तो वो आप समझ नहीं पाते कि ये शख्स
कुछ कर सकता है, कुछ इतना बुरा कर सकता है. एक बड़ा इम्पोर्टेंट सीन आया था अभी शहराम और केशवर का, वो आपको पता है पूरा क्रक्स है इस कहानी का. जब शहराम कहता है ना कि जब आप अपने अंदर का शैतान पूरी तरह देख लेते हैं तब आपको खुदा मिलता है. ये मैं अपने लिए भी कहूँगी. When I saw the worst side of myself, that is when I found God. कि इससे ज़्यादा बुरी मैं हो नहीं सकती. जब मुझे ये फील हुआ, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. सो वेन यू कॉन्कर एंड यू फेस योर डीमंस, अब वो कर रही है, नाउ शी इज़ एक्चुअली फेसिंग व्हाट शी हैज़ डन. लास्ट एपिसोड में भी आपने देखा होगा जब वो डर के उठती है, उसकी माँ कहती है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, वो उसको आगे से जवाब देती है, कहती है वो मेरा उनका मामला है. बट डू यू थिंक अ पर्सन हु इज प्रेइंग 5 times a day वुड डू समथिंग दैट बैड? कहीं ना कहीं उसका कॉन्शियंस उसको हिट करेगा, विच इज़ वाई वी आर टोल्ड टू प्रे. इट कीप्स यू ऑन द पाथ. आप परफेक्ट नहीं होते, आप फॉल्टर करते हैं, लेकिन आपका ज़मीर जाग जाता है. कहते हैं ना दिल अल्लाह का घर है, ऐसे साफ रखो. When you don't have that, when you are in complete darkness of faith, of everything, आप तो फिर जो भी कर लें, आप कत्ल कर लें, आप मार लें, वो तो फिर आप एक बुराई करते हैं ना तो वो फिर चलती रहती है, वो फिर आपके लिए बुराई रहती नहीं है ना. तो केशवर का शुरू से एक वो था कि एक औरत जिसको लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि वो है, and my god her appearance has made it so much more powerful. And I love the colors that she is wearing. Sare dark colors hain, the very powerful and very strong colors. True. You know, the just tarah ke greens hain and all of that, I love it. To downfall sabka aata hai. Jitni aasani se milta hai utni aasani se chhinta hai. Kabhi kabhi aapko ye cheeze dekhne mein samajhne mein bahut time lagta hai. हर कैरेक्टर की एक जर्नी है, सबकी एक सब है. एंड किश्वर अब उस पॉइंट पे है जहाँ पर शहराम अब उसे मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है. बिकॉज देखें, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी आपको, लेकिन ये है नहीं कि माँ को ना बाप की कब्र पे ले जाना. You finally see the rise of शहराम. Yeah, you know that. Or just stepping into his father's shoes, कि उनकी चप्पलें लेके आओ. Imagine doing that in front of a person who has killed your father. So he's playing with her now. और मुझे खुशी है बहुत कि मैंने जिस तरह इसको लिखा हुआ था उसी तरह ट्रांसलेट हुआ है. मैं वो नहीं कह सकती जो होता है ना, मेरे डायरेक्टर ने ये कर दिया, मेरे डायरेक्टर ने जो मैंने लिखा था उससे बहुत अच्छा कर दिया. फुल मार्क्स टू कासिम अली मुरीद. अगर ये प्रोजेक्ट किसी की वजह से सख्त हुआ है ना, and I say this with all my heart, Sana Shahnawaz, वो पता नहीं कितने लोगों के बीच खड़े होकर ना लड़ी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए. एंड शी नेवर गेव अप ऑन मी और ऑन द आइडिया कि जाने जहाँ होना चाहिए. तो अगर ये प्रोजेक्ट हुआ है और आप देखें एक एक फ्रेम में, आपको वो मेहनत नज़र आएगी. दे हैव इन्वेस्टेड. मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ यार रिहाना टेक्सटाइल्स भी लिखा हुआ है, चीज़ें भी प्रिंट हुई हुई हैं, चेकबुक प्रिंट हुई हुई है शहराम के नाम की. ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो कुछ लोग ओवरलुक कर देते हैं कि एक शॉट तो है. बट यू नो, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर ने कितना इन्वेस्ट किया है अपने आप को इमोशनली भी. एंड शी हैज़ बिन देयर थ्रू आउट. सो शाउट आउट टू सना एंड कासिम अली मुरीद एंड समीना फातिमा. नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रही हैं. आई थिंक एवरी वन हुज़ इन्वॉल्व इन द टीम प्लेज अ पार्ट, एंड विदाउट द होल टीम जॉइनिंग टुगेदर फुली, वो चीज़ वैसे नहीं हो पाती कहीं भी एक तरीके से. आप किसी एक को भी इस इक्वेशन से निकाल दें, बी इट द आई मीन द ब्यूटिफुल सिनेमाटोग्राफी, इट्स रियली नाइस, द DOP, सब, हर कोई, साउंड, OST आपको गलत जगह पे तंग नहीं करता. इट कम्स एट द एग्जैक्ट मोमेंट, खूबसूरत तरीके से. तो वो एक मिलाप है सारी अच्छी चीज़ों का. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट असाइड ऑफ गुड इंटेंशंस, एवरीबडी केम फॉर ऑन बोर्ड विद लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस. इतने और क्वेश्चंस हैं जाने जहाँ के बारे में, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी हमने बहुत लंबा इंटरव्यू कर लिया है. इसको एडिट में भी बिठाना है, मेरी टीम कह रही होगी बस भी कर दो. बट एनीथिंग एल्स दैट यू आर राइटिंग अबाउट, कुछ आप कर रही हैं, लिख रही हैं, हो गया है, हम कब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखेंगे? होपफुली इस साल में आ जाना चाहिए है. आई एम डूइंग समथिंग फॉर ग्रीन, और एक और है जो मैं मोहसिन के साथ कर रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़.
जिस तरह जाने जहाँ को हमने बड़े साल पाला है उसी तरह एक और इस तरह की कहानी है जो मैंने बहुत पहले कंसीव की थी और वो करने का मौका अब मिल रहा है. सो आई एम होपफुल दैट जो है लेट्स सी क्या होता है. ठीक. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन दैट वी हैड. मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई होप जो व्यूअर्स हैं जो फैंस हैं जाने जहाँ को उनको बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे. माय अपोलॉजीज अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई हो. एज आई सेड टाइम इतना नहीं था बट कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसे कवर कर लें स्पेशली शहनाम और महानूर के बारे में. खैर वो क्या बोलूँ तब्रेज़ गुलज़ैब सब जीनत सभी किसका नाम ना लूँ मैं वो होता है. बट शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का. थैंक यू रबी हमें टाइम देने का इतनी ऑनेस्टली सारी बात करने का. इट वाज रियली ग्रेट टू हियर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी आल्सो एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाफिज़.